सिलेक्ट करते हैं, मतलब जो अप्रोच आप वेंडर को सिलेक्ट करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपकी मार्केट अप्रोच होती है, ITT हो गया और इस तरह से। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रही हो। ITT का मतलब है इनविटेशन टू टेंडर। टेंडर्स जी सर। सो आपकी मार्केट अप्रोच क्या है? टेंडर इज द मार्केट अप्रोच, यू चोज टू टेंडर, ठीक है जी सर। इसके अलावा और कौन सी मार्केट अप्रोचेस हो सकती हैं? इनविटेशन टू प्रपोजल हो सकता है सर, इनविटेशन टू कोटेशंस हो सकता है। टॉप क्लास, बिल्कुल ठीक है। और नेगोशिएशन भी तो हो सकता है मार्केट अप्रोच। जी सर बिल्कुल, वो हो सकता है, लेकिन पेपरा में हमें मना किया गया है नेगोशिएशन का, लेकिन वो आपने बताया था कि किस तरीके से हो सकता है, लाइक सिंगल सोर्सिंग में, सोल सोर्सिंग में, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में, ये सारा आपने बताया था। टॉप क्लास, आई एम ग्लैड कि आपको ये चीजें मालूम भी हैं और याद भी हैं, ठीक है। सो इसको हम, जो आपका मार्केट में जाने का जो मेथड है उसको आप कहते हैं अप्रोच टू मार्केट, या मार्केट अप्रोच, या अप्रोचिंग द मार्केट, या गो टू मार्केट, ठीक है। ये वो टर्म नहीं है जो पेपरा में यूज की जाती है, ठीक है। बट माय जॉब इज टू गिव कॉन्टेक्स्ट, नॉट जस्ट पेपरा, बिकॉज जब आप अपने प्रोफेशन में जाएंगे इंशाल्लाह यू विल बी डीलिंग विद इंटरनेशनल वेंडर्स इन रेलवेज। आपका सिस्टम ऐसा है कि आप को सीमेंस, GE और जितने बैक्टल सेक्टर, जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके साथ डील करना पड़ेगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको उनकी जो साइंस है वो भी पता हो, ठीक है। सो ये हमारी है मार्केट अप्रोच, एंड ब्रीफली इट इज डिफाइंड एज हाउ वन चूजेज टू इंटरेक्ट विद द मार्केट फॉर एक्विजिशन ऑफ डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज विद एन एक्सपेक्टेशन टू चूज अ सेलर and achieve best value against stated objectives. Simple है, अगर किसी का question नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, market approach आपकी कोई भी हो, regardless कुछ principles हैं, ठीक है, और वो principles आपने ensure करने होते हैं। अच्छा, आई नीड टू, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं शो एंड कर देता हूँ, बिकॉज मुझे, अच्छा एक तो वैसे भी आपके नाम नहीं आ रहे, और हैंग ऑन जस्ट गिव मी सेकंड, ऐसा करता हूँ, हाँ अब ठीक है। अच्छा मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, इज इट क्लियरली विजिबल टू एवरीवन सर? जी नहीं है, वो पहले स्लाइड शो पे था ना, वो तब विजिबल था। जी दोबारा बोले, शो पे रखा हुआ था तब विजिबल था, हाँ अब थोड़ा विजिबल है जरूर। और बड़ा करता हूँ, और बड़ा करता हूँ, इज इट बेटर नाउ? ओहो सॉरी, इज इट बेटर नाउ? सबको दिख रहा है स्लाइड शो पे? प्रॉब्लम ये है कि मेरा इंटरफेस में वो नहीं आ रहा ना फिर आपका, सो आई नीड टू नो द पीपल जो आपके नाम आ रहे हैं, सो इसलिए मैंने स्लाइड शो को खत्म कर दिया। अगर अब विजिबल है तो मैं आगे चलता हूँ। विजिबल है, ब्रिलियंट। तो मुशर्रफ आप बता सकते हैं कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से लिखे हुए यहाँ पे, इफ यू डोंट माइंड? Yes, principles में sir, competition है, sir. थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज, ताकि सबको आवाज आ जाए। आवाज आ रही जी? सर एक तो कंपटीशन है, और उसके अलावा सर मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी है, वैल्यू प्रोपोजिशन है सर, कंप्लायंस है सर डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ, लॉज के साथ, अपॉर्चुनिटीज जो हैं हमारी लीगल और डिफरेंट जो हमारी बाइंडिंग्स हैं उनके साथ उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, स्विफ्ट प्रोक्योरमेंट इन केस ऑफ एमरजेंसी, तो ये सारी चीज़ें सर उस प्रिंसिपल में आती हैं, प्रोसेस एफिशेंसी, कॉस्ट और बायर एंड बिडर्स।
time and complexity. Thank you so much. Thanks a lot. Acha. अनम, क्या आप बता सकती हैं कि कंपटीशन में और कॉन्टेस्टेशन में क्या फर्क है? सर, कंपटीशन मतलब जो बिटवीन द फर्म्स होगा, और कॉन्टेस्ट वो होगा जो हम कंडक्ट करवाएंगे. हाँ, कोई बात नहीं. इट्स ओके. आई मीन लॉट ऑफ पीपल मे नॉट नो कि कंपटीशन और कॉन्टेस्टेशन में क्या फर्क है. एनीवन एल्स वुड वांट टू वॉलंटियर? हाउ इज कॉन्टेस्टेशन डिफरेंट टू कंपटीशन? मेरे हिसाब से कॉम्पिटिशन जो है वो दो फर्म्स के दरमियान होगा, और कॉन्टेस्टेशन होगा वो मल्टीपल फर्म्स के दरमियान होगा. आप पार्शली ठीक कह रहे हो. आई एग्री विद यू पार्शली. ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल, अगर एक एनालॉजी रखूं, कि फर्ज करो कि सुजुकी कंपनी, यू नीड टू बाय एन ऑटोमोबाइल. सुजुकी कंपनी बनाती है 800 सीसी की गाड़ी, टोयोटा कंपनी बनाती है 1600 सीसी की गाड़ी, और होंडा कंपनी बनाती है 2400 सीसी की गाड़ी. विल देयर बी कंपटीशन? विल देयर बी कॉन्टेस्टेशन? आई विल टेक यू बैक टू योर केस स्टडी. फर्ज करो वहां पे सिर्फ एक इंटरनेशनल कंपनी होती और एक लोकल कंपनी होती, कॉन्टेस्टेशन हो सकता था? कॉन्टेस्टेशन नहीं हो सकता था, इसलिए कि आपको एक तरह के बहुत सारे लोग नहीं मिल, बहुत सारों से मुराद ये नहीं है कि हजारों, लेकिन यू नो मैनेजेबल नंबर आपके पास नहीं आता था. लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लायंस कंपटीशन तो फिर भी था. अगर आपने पेपरा को कंप्लाई करना है, फर्ज कीजिए, या अगर रेलवेज ने लोन लिया एडीबी से, तो आप एडीबी के रूल्स फॉलो कर रहे हैं विच आर सिमिलर टू पेपरा, कंपटीशन तो होगा on the face of it, लेकिन contestation नहीं होगा. Contestation का मतलब यह है कि there is a real competition between multiple firms for the same goods or services. ठीक है, transparency हम सबको पता है. Value proposition का मतलब क्या है? चीतन, फहद, आप बता दें. सर, इसमें मेरे ख्याल में इसका मतलब ये होगा कि जो बिड्स जो होती हैं, वैल्यू प्रपोज जो की जाती हैं, शायद ये हो. एग्जैक्टली सर मुझे नहीं पता. ओके, ये देखो आप सबको पता है. सर, जी जी प्लीज. सर, वैल्यू प्रपोजिशन वो होता है ना कि कोई भी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या मतलब पर्टिकुलर सर्विस क्यों चूज करेगा, तो उसको हम वैल्यू प्रपोजिशन कहते हैं. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है. मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट फ्रेज कर लूँ. इसका मतलब सबको पता है, लेकिन शायद ये जो मैंने टर्म यूज की है विच इज अ स्टैंडर्ड ग्लोबल टर्म. देखो, आपकी कंपनी किसी चीज से चाहती है या कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है कोई भी यूनिक ऑफर. Good, that is also the right answer. और मैं अगर इसको phrase करूँ तो मैं ऐसे करूँगा, why are you doing all this? Why do you have a procurement function? Why can't the engineer in the operations department or projects or some other department administration, why can't they do it themselves directly? तो उसका answer ये है कि procurement, because it is a science, तो वो आपको value ला के देती है. ठीक है, in other words, they bring you more value than what a non-procurement person can bring you. Ya person se murad process bhi hai, theek hai. So value proposition ye hai ki if my wife, for instance, is able to buy a refrigerator for, let's say, 60,000, I can get more value. Theek hai, main value ki baat kar raha hu, cost ki baat nahi kar raha. I can get more value if I am a procurement person or I run a proper procurement process. This is the value proposition. आपको हर जगह
ये चीज पता होना चाहिए कि प्रोक्योरमेंट की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है. आपको सेविंग्स मिलती है, यस और नो. आपको सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई मिलती है, यस और नो. आपको कंप्लायंस मिलता है, यस और नो. ठीक है, दिस इज द वैल्यू प्रोपोजिशन. द एडेड बेनिफिट दैट बाय रनिंग द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस यू कैन ब्रिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन इज द वैल्यू प्रोपोजिशन. ठीक है, इन अदर वर्ड्स यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ डूइंग दिस. मैंने एक पेपर अभी लिखा था लास्ट ईयर फॉर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जो पढ़ा भी था उनके सिंपोजियम पे, और वो था अकाउंटेबिलिटी पे, ये नैब के ऊपर. ठीक है, कि नैब की वजह से प्रोक्योरमेंट की वैल्यू प्रोपोजिशन, उसकी बॉटम लाइन ये थी कि वैल्यू प्रोपोजिशन पीछे रह गई है, कंप्लायंस आगे आ गई है. पब्लिक सेक्टर में जो प्रोक्योरमेंट हो रही है उसमें कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू बी यू नो अरेस्टेड बाय और इन्वेस्टिगेटेड बाय नैब, और वो कंप्लायंस फोकस्ड है, लेकिन वैल्यू प्रोपोजिशन पीछे रह गई है. बट रिमेंबर, every procurement activity needs to bring value, so this is a principle. Okay, and then process efficiency in order to deliver cost, time, complexity. ye teen cheeze hain, yani ke less cost, less time and less complexity. Okay, any questions? Some of the methods, theek, do teen tarah ke methods hote hain aapke. एक है कंपेरेटिव वर्सेस नॉन कंपेरेटिव. ये अभी अनम ने जैसे बताया था कि यू कैन नेगोशिएट आल्सो इन सर्टेन सिचुएशंस, सर्टेन कंडीशंस. उन्होंने दो तीन कंडीशंस के नाम भी ले दिए थे, सिंगल सोर्स है या सोल सोर्स है या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है. ठीक है, कई दफ़ा पेपरा के केस में पेपरा से एग्जेम्पशन भी दे देते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लेकिन वो कैबिनेट अप्रूव करती है. ठीक है, एंड यू कैन सीक एन एग्जेम्पशन टू नेगोशिएट, बट इवन इन दैट मैंने बताया था. आई अपोलोजाइज, क्या 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 कह रही हैं आप सर? वो अनम ने नहीं, हानिया ने बताया था. हानिया, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी हानिया, थैंक यू सो मच. यू वर स्पॉट ऑन बाय नेमिंग दोस सिचुएशंस और कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस वेयर वन कैन नेगोशिएट. सो वन इज कंपैरेटिव वर्सेस नॉन कंपैरेटिव, वन इज टेंडर और बिड वर्सेस नेगोशिएटेड. ठीक है, वन इज टेंटेटिव और नॉन कमिटल वर्सेस फर्म. इसका मतलब क्या है? आप कई दफा मार्केट में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? यू डू नॉट इंटेंड टू बाय, यू इंटेंड टू सीक इंफॉर्मेशन. मेनी टाइम्स एक नई टेक्नोलॉजी आती है, आपके पास इन हाउस उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि यार या कॉस्ट नहीं है, आप क्या करते हैं कि आप मार्केट में एक रिक्वेस्ट फॉर बजटरी प्रपोजल भेज देते हैं, या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेज देते हैं. ठीक है, या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी समटाइम्स आप इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, मकसद क्या होता है कि आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इन ऑर्डर टू बी एबल to develop an ITT or RFP, RFI, RFQ, जो firm method है. ठीक है, तो यहाँ पे एक इस matrix में आपको नजर आएंगी कि generally the preliminary methods are expression of interests, request for information, request for proposal. ठीक है, ये सारे firm है, RFQ, ITT, ITT. What is RO? And this is actually not RO, this is RA. I apologize for that. This is a reverse auction. Dobara boliye taki main aapka naam dekh sakun. The reverse auction. Aapka naam kya hai? Sir Ahmed. Ahmed Noor, thank you so much. Reverse auction kya hoti hai? Anyone? अहमद आपने नहीं बताना. अच्छा, अब आप बता दें अहमद. सर रिवर्स ऑप्शन में ये होता है कि जो कंपनीज हैं उन्होंने अगर बिड्स दी भी है ना, और आप अगर सपोज करते हैं कि जो इसकी एस्टीमेट है वो इससे भी कम हो सकती है, तो आप उन जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनको दोबारा आप
स्टेशन में लेके जाते हैं और ऑक्शन करवाते हैं और वहां पे जाके उनसे दोबारा बिड्स मतलब एक्सेप्ट करवाते हैं, तो वहां पे जो आपके पास कंपटीशन हो रहा होता है उसको आप रिवर्स ऑक्शन कहते होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एग्री नहीं करता, आपने नाम तो बिल्कुल सही लिया है, लेकिन रिवर्स ऑक्शन का मतलब ये होता है कि मैं सबको कह देता हूँ मेरे पास 10 बिडर्स हैं, मैंने एक इंजन लेना है फर्ज कीजिए, मैं उनको कहता हूँ ऑल 10 ऑफ यू गेट रेडी, दीज आर द स्पेसिफिकेशन, पहले उनको दे देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली रिवर्स ऑक्शन होता है ऑन सम इलेक्ट्रॉनिक टूल, ठीक है, इसके बहुत सारे टूल्स हैं, अरीबा इज वन, देयर आर अदर्स, सैप में भी होता है। अच्छा, आप वहां पे एक ऑक्शन करा देते हैं, किसी सबको पता है ना कि ऑक्शन क्या होती है, आप वर्बल बिड्स लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह से होता है कि एक बिडर को ये नहीं पता कि दूसरे बिडर का नाम क्या है, लेकिन हर किसी का एक कोड होता है ए बी सी डी ई एफ व्हाटएवर, तो ए को पता है कि यार एफ ने मुझसे ज्यादा कोड कर दी है, कम कोड कर दिया है, वो उसके रिलेटिव अपनी बिड बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, ठीक है। सो हेंस यू कंडक्ट एन ऑनलाइन ऑक्शन वेयर द बिडर्स कैन नॉट सी ईच अदर, बट दे कैन सी के किसी एक ने इससे ज्यादा या कम कर दी है, एंड दे हैव दी फैसिलिटी टू मूव देयर बिड अप और डाउन इन ऑर्डर टू विन इट व्हेन द टाइम कम्स। प्रोक्योरमेंट का बंदा जो होता है वो उसको क्लोज कर देता है, उसको अवॉर्ड कर देता है। नॉर्मली दो तरह से होता है, या वो टारगेट प्राइस मीट कर ले या वो टाइम आ जाए, ठीक है। तो रिवर्स ऑप्शन ये पाकिस्तान में अच्छा इतना कॉमन नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ प्रोक्योरिंग सर्टन आइटम्स, स्पेशली जो ऑफ द शेल्फ जिनकी स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल ठीक होती हैं, वहां पे ये एक अच्छा मेथड है, ठीक है। ओके, कुछ मैंने आपको जो मार्केट अप्रोच के मेथड्स हैं यहाँ पे लिस्ट किए हैं, उनके नीचे इनकी थोड़ी थोड़ी एक डिस्क्रिप्शन दी है या उनके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सके, वरना हम और आगे बढ़ते हैं। सर, आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। सर, अगर आप पाकिस्तान रेलवेज की बात करें या पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो क्वालिटी से ज्यादा कॉस्ट पे फोकस करते हैं, मतलब जब भी वो बिड भी फिल करते हैं तो वो क्वालिटी, वो उनके जहन में ये होता है कि हमें कॉस्ट पे फोकस करना है, क्वालिटी पे फोकस नहीं करना, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कॉस्ट प्लस क्वालिटी होती है। तो उस केस में हम अगर ये चाह रहे होते हैं कि हम कॉम्पिटिशन ना करवाएं, जैसे हम ब्रांड स्पेसिफाई कर देते हैं, तो उस केस में मतलब वो कैसे हम करवा सकते हैं कि हम ब्रांड स्पेसिफाई करें स्पेसिफिकली उस ब्रांड का, क्योंकि उससे ये भी होगा कि कॉम्पिटिशन तो हम नहीं करवा सकते फिर, तो क्या वो यही प्रोक्योरमेंट की जो अप्रोच है क्या वो वैलिड है या उसमें कोई प्रॉब्लम्स है? नहीं, देखो, अगर आप पेपर रूल्स पढ़ो या आप कोई भी ग्लोबल जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं पढ़ लो, तो आप ब्रांड स्पेसिफाई नहीं कर सकते, जिसको हम कहते हैं कि वो फिर अगर आप ब्रांड स्पेसिफाई करोगे तो प्रोप्राइटरी हो जाता है, ठीक है। प्रोप्राइटरी का मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक कंपनी की ओनरशिप में है, विच मींस अगर मैं कहता हूं कि मुझे, लेट्स, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि एग्जांपल सही है या गलत है, कि मुझे एक एरोप्लेन खरीदना है लेकिन उस एरोप्लेन में इंजन रोल्स रॉयस का होना चाहिए, ठीक है, और फर्ज कीजिए कि रोल्स रॉयस अपने इंजन सिर्फ एयरबस को बेचता है, तो उसका मतलब क्या है कि मैं असल में एयरबस खरीदना चाह रहा हूं, लेकिन मैं प्रोप्राइटरी मेथड पे ज्यादा नहीं जा रहा, मैं इसको एक फॉल्स कंपैरेटिव सिचुएशन बना रहा हूं, जबकि असल में ये चीज सिर्फ एयरबस ही मुझे दे सकती है, बिकॉज रोल्स रॉयस का इंजन जहाज में वो यूज करते हैं, ठीक है। पेपरा एंड ऑल द प्रोक्योरमेंट रूल्स आर दे डू नॉट अलाउ दिस, ठीक है। अगर ये केस है कि आपने एक ही चीज़ लेनी है, फिर आप उसका केस बनाइए और आप कहिए कि जी मैंने ये चीज़ इसलिए लेनी है कि मेरे पास सारे इंजन्स, फर्ज कीजिए सीमेंस के हैं, एंड आई हैव स्टैंडर्डाइज माय इंजन ऑन द सीमेंस, हेंस आई कैन ओनली बाय अ सीमेंस, तो फिर तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको नेम कर देंगे, अखबार में इश्तिहार दे देंगे या टेंडर कर देंगे,
तो वो फिर गलत होगा. Does that answer your question, Ahmed? Yes, sir. Sir, मैं एग्जाम्पल देता हूँ. सॉरी, आप अपना क्वेश्चन एक सेकंड के लिए होल्ड करो. एग्जाम्पल ये है कि देखो, नॉर्मली क्या होता है कि फ्लीट होता है ना आपका गाड़ियों का, तो आप कहते हो यार मैं 4x4 में टोयोटा हाइलक्स रेवो लूंगा 2.4, ठीक है. तो फिर आप ये स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, तय कर लेते हैं कि यार यही, क्योंकि आपने उसके स्पेयर्स भी रखने हैं, आपने उसकी एक्सपर्टीज भी जो मेंटेनेंस की है वो भी रखनी है, ये सब चीजें हैं, तो आप फिर कोई और गाड़ी नहीं लेते, ठीक है. तो अगली 10 गाड़ियां चाहिए होंगी, वो भी आप टोयोटा रेवो लेंगे, ठीक है. तो उसका मेथड बिल्कुल डिफरेंट है. लेकिन अगर आप उन 10 गाड़ियों को टेंडर कर दें और उसमें लिख दें कि जी मुझे टोयोटा रेवो चाहिए, तो वो टेंडर नहीं होना चाहिए. इट इज अ प्रोप्राइटरी सिंगल सोर्स आपकी प्रोक्योरमेंट का मेथड है. आप उसको फिर इसी तरह डील कीजिए, उसके फिर अपने कंट्रोल्स हैं और अपने अप्रूवल्स हैं. थैंक यू अहमद. अब अपना सवाल पूछिए. सर, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. सर, इसमें यह भी था कि बाजुका जो आपका OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो भी आपको स्पेसिफाई करता है कि आपने जो स्पेयर पार्ट्स लेने हैं या आपने जो मटेरियल कंज्यूम करना है, वो एक स्पेसिफिक ब्रांड भी आपको बता देता है कि OEM आपको रेफर करता है कि आपने ये ब्रांड को फॉलो करना है या ये यहाँ से आपने स्पेयर पार्ट्स लेने हैं. क्योंकि अगर उसके अलावा आप लेते हो तो हम जो आपकी वारंटी है उसको क्लेम नहीं करवाएंगे. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, क्या उसको भी हम मतलब अभी जो कॉम्पिटिशन है उसमें फॉल करवा सकते हैं या वो हम एक स्पेशल केस बनाएंगे? उसमें दो सूरतें ना. एक तो ये दिस हैपेंस ऑल द टाइम, ठीक है. आपने सीमेंस का इंजन लिया हुआ, फर्ज कीजिए वो कहते हैं यार अगर तुमने बाजार से खरीद के ना, ये जो लाहौर में क्या है, शेरशाह नाम है, कराची में शेरशाह है, बिलालगंज, आपने बिलालगंज से ना इसका पार्ट लगाया तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, ठीक हो गया. तो अब आप मजबूर हैं, आपने सीमेंस ही के पार्ट्स खरीदने हैं. अब डिपेंड करता है कि सीमेंस के पार्ट्स खरीदने के लिए शायद उन्होंने उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या हैं, उनका क्या एक लोकल कंपनी है यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है या मल्टीपल है. अगर मल्टीपल हैं तो आप उन तीनों के बीच में, अगर तीन हैं या चार हैं या पांच हैं, उनके बीच में कंपटीशन करा दें. अगर नहीं है देन यू आर स्टक, फिर आपने उसी के पास जाना है और वो अलाउड है, बिकॉज ये हर वक्त होता है, हर जगह होता है. PIA पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उनकी बहुत सारी प्रोक्योरमेंट जो है वो सिंगल सोर्स होती है ऑन द बेसिस के वो OEM ने जो स्पेसिफाई किया हुआ है उसी के पास जाने के, वो फिर आप वहाँ पे लॉक कर देते हैं ना उसको. रेलवे में भी ये होता है. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, अहमद. यस सर. ओके सर. सर, मेरा क्वेश्चन है. जी प्लीज. सर, वो पेप्रा रूल में एक चीज यहाँ पे दी होती है कि इन केस अगर आपको स्पेसिफिकेशन जाहिर करने के लिए किसी ब्रांड का नेम जो है ना उसमें मेंशन करना हो, तो आप इक्विलेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इक्विलेंस टू किसी भी ब्रांड का नेम करके कि उसकी ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए. सर, आई थिंक इस तरह नहीं है? उस तरह भी है. आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप अपनी स्पेसिफिकेशन लिख के और अगर उसमें प्रोप्राइटरी का आता है तो आपको इक्विवेलेंट डालना पड़ता है, ठीक है. लेकिन जो अहमद ने एग्जाम्पल दी है, सीमेंस का एक पार्ट है, फर्ज कीजिए एक गैस्केट है, उसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है, फर्ज कीजिए. तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी जब आप सीमेंस का इंजन लेने जाएंगे इनिशियली, वो उसी वक्त तय हो चुकी है कि आपने ये पार्ट फला जगह से लेना है, तो फिर आपने उसी को फॉलो करना है. इसकी परमिशन है लेकिन उसका एक मेथड दिया हुआ है, आप उस मेथड को देखिए, ठीक है. इक्विवेलेंस वहां पे आती है जहां पे अभी आपने लॉक नहीं किया, अपनी प्रेफरेंस शो कर दी है, लेकिन साथ में ये कह दिया कि यार इफ समवन कैन ऑफर अ सिमिलर और बेटर सॉल्यूशन व्हिच मीट्स और एक्सीड्स माय डिमांड माय रिक्वायरमेंट देन इट्स ओके. लाल नबी, इज दैट हेल्पफुल? यस सर, थैंक यू. ब्रिलियंट. तो ये एक और मेथड है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, RFI और EOI,
पेपरा में थोड़ा सा डिफरेंट है. पेपरा में आप यूआई को यूज कर सकते हैं फॉर योर एक्चुअल प्रोक्योरमेंट ऑल्सो, बट उसके लिए आप पेपरा रूल्स पढ़िए ताकि आपको अच्छा वो मिल जाए. आरएफपी है, ठीक है, आरएफटी, ये सारे वो फर्म मेथड्स हैं. रिगार्डलेस के आप नाम क्या रखते हैं, आईटीटी रखते हैं, रिक्वेस्ट फॉर टेंडर रखते हैं, या इन्विटेशन टू बिड है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, देर ऑल द सेम. ठीक है, ये फर्म मेथड्स हैं. आप कोटेशन मांग रहे हैं और आपकी, मुझे एक मेरा क्वेश्चन है सबसे, कोटेशन या टेंडर या बिड, इज इट फर्म? यानी कि मैं आपसे एक कोटेशन मांगता हूं, आप मुझे प्रपोज कर देते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि यार मैं 90 डेज के अंदर आपको बता दूंगा, मैं 90 डेज के अंदर आपको कहता हूं यू हैव वन द टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट, डू यू हैव द ऑप्शन टू बैक आउट इफ यू आर द वेंडर? सर मेरे ख्याल में ये फर्म होती हैं जब मतलब फर्ज करें कोटेशन भी आपके पास आती है तो उसके ऊपर लिखा होता है वैलिड फॉर 30 डेज या जितना भी वो होता है, और दूसरा बिड्स जो आप सबमिट करते हैं वो भी उसके सिक्योरिटी मनी और बाकी चीजें भी होती हैं, अगर आप उसे बैकआउट करते हैं तो वो आपकी वो जब्त हो जाती है, वो आपको रिफंड नहीं होगी. थैंक यू फहद. फहद ने बिल्कुल सही बताया है, यही ये जब आप कोटेशन मांगते हैं या टेंडर मांगते हैं, बिड मांगते हैं, ये फर्म है आपकी, आपके पास या तो उनकी बिड सिक्योरिटी होगी या किसी भी तरह की आपकी रिलेशनशिप भी होती है, ठीक है, वो भी हो सकती है. प्राइवेट फर्म्स में जरूरी नहीं है कि आप बिड सिक्योरिटी लें, उन पे पेपरा की कंपल्शन नहीं आती. सो विच मीन्स कि विद इन दैट टाइम फ्रेम जिस पे उन्होंने बिड की है, इट कैन बी 30 डेज, 90, 120, डिपेंड करता है, इफ यू विन द कॉन्ट्रैक्ट then you are obligated to provide the services जिसके लिए आपने कोट किया है या टेंडर किया या बिट किया है. सब लोग ये समझ गए? Yes sir. Yes sir. अच्छा. Sir, there's another question. Please. So, जो there's this problem regarding contractor pooling. उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं सर? कॉन्ट्रैक्टर पूलिंग क्या होती है सर? उसमें ये कि पांच लोग दे डिसाइड टू बिड, उनमें से चार लोग डिसाइड करते हैं कि लाइक दिस स्पेसिफिक पर्सन विल विन, तो चार लोग इतनी हाई बिड देते हैं कि जो पांचवें की होती है बस वो सिलेक्ट हो जाती है. शुएब, थैंक यू सो मच, वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी रियल. आई एम श्योर रेलवे में ऐसे कई एरियाज होंगे जहाँ पे ये हो रहा है. आई कैन नेम अ फ्यू बिग पब्लिक डिपार्टमेंट्स. पीडब्ल्यूडी इज वन, वर्क्स का जो डिपार्टमेंट है, सीडीए इज अनदर, मैनी डिपार्टमेंट्स जो बड़े हैं. अब शुएब का जो क्वेश्चन है इस पे मुझे कुछ कमेंट्स चाहिए आप लोगों से. फर्स्ट, आप सब समझ गए हैं कि शुएब ने क्या डिस्क्राइब किया है, कॉन्ट्रैक्टर पोलिंग से क्या मुराद है. इसको आप कॉन्ट्रैक्ट फिक्सिंग भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजिंग द टेंडर भी कह सकते हैं, कोल्यूजन भी कह सकते हैं, जो ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, कोल्यूट करना, सी हमें कोल्यूसिव प्रैक्टिसेस इसी को कहते हैं. दोबारा बोलिए सर. पेपरा में एक कोल्यूसिव प्रैक्टिसेस है, वो इसी में मतलब लाइक डिफरेंट जो आपके होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं, तो वो बाकायदा पेपर में वो डिफाइन हुआ हुआ है ये. बिल्कुल. सो कोल्यूसिव प्रैक्टिस का मतलब है कोल्यूजन, ठीक है, और कोल्यूजन इज द राइट वर्ड जिसको फहद ने कॉन्ट्रैक्टर पोलिंग बोला है, वो भी बिल्कुल सही है. हाउ डू यू मैनेज दैट कि आपके कॉन्ट्रैक्टर्स कोल्यूड ना करें? बिल्कुल सिंपल, उसमें मुझे बता दीजिए आप क्या करेंगे. देखिए, एक तो आपके पास अच्छा बेंचमार्किंग डेटा होना चाहिए, ठीक है. यू आर लुकिंग फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट प्राइवेट सेक्टर में उस क्वालिटी की इतने की मिल रही है. अगर आपको बेंचमार्क प्राइस पता है
उसका मतलब ये है कि आपको जो अपना टेंडर है उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस भी मालूम हो जाएगी। दूसरा ट्रेंड्स देखते हैं आप, ट्रेंड देखते हैं कि यार ये ए बी सी डी ई तो नहीं हो रहा, क्योंकि जनरली ये नहीं होना चाहिए। ए विंस दिस टाइम, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी ए विन करे, बट इफ ए इज नॉट विनिंग और उसकी जगह बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, इसका मतलब है बारियां लगी हुई हैं, ठीक है। और ये बारियां उसी वक्त लगती हैं जब कोलिजन होगा आपका, ठीक है। और उसके बहुत सारे और मेथड्स भी हैं इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं एज अ बायर। चेतन, चेतन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई बात नहीं। अच्छा अनम, आई रिक्वेस्ट यू टू रीड दिस एट अ मिनिमम, ये जो ये पोर्शन है ये आप पढ़ सकती हैं प्लीज। यस सर। सर अहमद, शुड आई स्टार्ट और अहमद? अनम होल्ड द लाइन जस्ट, अहमद गो अहेड। अहमद सर, मैं शुएब की बात को सेकंड करना चाहूंगा। सर आपने जो अप्रोच बताई है कि आपके पास एक बेंचमार्क सेट हो, तो अगर सर इन केस अगर मैं भी अगर डिवीजन में बैठा हूँ और मैंने बेंचमार्क अपना सेट किया हुआ है मार्केट सर्वे करके, लेकिन जब मैं बीट करवाता हूँ तो उसमें एक प्रॉपर टाइम लगेगा, 2 वीक्स 4 वीक्स, और 4 वीक्स के बाद वो जो प्राइस सेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। अब वो मेरे बेंचमार्क से तो ज़्यादा हो जाती है। अब अगर मैं वहाँ पर जाके अपनी बीट को एंड करता हूँ, मतलब मैं बैक कर जाता हूँ, तो उससे मेरा भी टाइम ज़ाया होगा। अगर मैं बैक उसको नहीं करता, मतलब मैं लीव नहीं करता, तो जारी बात है कि प्राइस आपके पास हाई प्राइस सेट हो जाएगी, फिर मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस प्रैक्टिस को कैसे मतलब किया जाए, मतलब इस अप्रोच को कैसे डील किया जाए? एक तो अपनी जो बिडर्स लिस्ट है आपकी, यू शुड इंश्योर कि उसमें कुछ लोग ऐसे जरूर हों जिन पे आप सस्पेक्ट नहीं कर रहे कि ये कल्यूट करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपको टारगेट प्राइस नहीं मिल रही, यू ऑलवेज हैव द एबिलिटी टू कैंसिल अ टेंडर, ठीक है। नंबर तीन, आप किसी के साथ फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्टर के भी सेट कर सकते हैं कि प्राइस पहले तय कर लें और उसके बाद आप उसको रिलीज ऑर्डर्स के थ्रू या परचेज ऑर्डर्स के थ्रू उससे आप रिपीट ऑर्डर्स देते रहें, ठीक है। सो देर आर मैनी मेथड्स जो आप करते हैं उसमें, लेकिन एक और भी है कि आप अपने टेंडर में टारगेट प्राइस भी डाल सकते हैं कि जो इस टारगेट प्राइस के जितना करीब होगा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। बट मेनली आपने अपनी बिडर्स लिस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बार बार मैं कहता हूँ ये बात पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि बहुत ज्यादा रुझान है कि अखबार में इश्तिहार दे दो, लेकिन उससे मकसद हल नहीं होता। मकसद ये है कि आपको कॉन्टेस्टेशन के लिए ऐसे बिडर्स चाहिए जो कोल्यूड ना करें। सो यू नीड टू हैव गुड मार्केट इंटेलिजेंस, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे आगे चल के भी अहमद। मैं हानिया से नहीं, अनम से रिक्वेस्ट कर। Should I start, sir? जी प्लीज। At a minimum, it should seek personal skills, training level or competences, part descriptions, specifications or numbers, quantities and volumes, descriptions or drawings, quality levels, delivery needs, term of contract, draft contract with terms and conditions, other value added needs or terms and price. Thank you. So basically, जब आप अपना IDT बनाते हैं या ITB बनाते हैं, RFP बनाते हैं, तो at a minimum जो चीजें आपको उसमें डालनी चाहिए वो यहाँ पे mentioned है। जो third last line है, draft contract with terms and conditions, इसको इसका सबको पता है? सर, इट इज अ ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट बिफोर यू फाइनलाइज योर टर्म्स एंड कंडीशन, जो आप कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं कि इफ दे आर ओके विद दीज टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर यू फाइनलाइज देम। एक्सीलेंट, बिल्कुल आपने सही कहा है कि देखो, जो सिर्फ प्राइस, इट इज नॉट ओनली द प्राइस। मैं कहता हूं मुझे एक आईफोन 13 चाहिए,
और मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ प्राइस दे दें आप, तो यू कैन गेट वेरिंग प्राइस. अब एक बंदा कहता है यार मेरे पास ये फ़ोन तो पड़ा लाहौर में, तुम लाहौर से आके ले लो. एक कहता है इसके साथ एक साल की वारंटी है, दूसरा कहता है कि वारंटी नहीं है, एक कहता है यूज्ड है, दूसरा कहता है न्यू है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये जो वारंटी है या लोकेशन है या आफ्टर सेल सपोर्ट है, ये सब कहाँ जाएंगी? ये टर्म्स में जाएंगी ना. टर्म्स आप कहाँ लिखते हो? अपने ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि सब लोग एक ही सेट ऑफ टर्म्स के ऊपर एग्री कर रहे हों, इन ऑर्डर फॉर यू टू ड्रॉ अ लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन. हेंस योर ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इंक्लूड्स द टर्म्स एंड कंडीशंस इज एज इम्पॉर्टेंट एज द प्राइस, बिकॉज देयर कैन बी मेनी टर्म्स एंड कंडीशंस विद इन द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्राइस. इसलिए आपको ये सब चीजें इकट्ठी करके देखनी है, ठीक है? आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर. सर आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज. सर ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फिक्सिंग जो ओक्लूसिव प्रैक्टिसेस है सर, इसको थोड़ा बताएं कि इसको रोका किस तरह जाए. देखिए इसको रोकने के लिए तो यू नीड टू हैव अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स. मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक जोन है रेलवेज का, और वो जोन है सेंट्रल जोन कह देते हैं उसको, लाहौर से लेके गुजरात तक और ऊपर जाएं तो साहिवाल तक, ठीक है? अब आपने यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स का काम आते रहते हैं, ठीक है? अगर आपके पास आज फर्ज कीजिए चार कंपनीज हैं, नेक्स्ट टेंडर पे भी वही चार कंपनीज हैं एंड दी सब्सिक्वेंट ईयर्स, तो इट मीन्स कि मार्केट के अंदर चेंज नहीं हो रही या आपको मालूम नहीं है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू डू वन कॉन्ट्रैक्ट एंड द नेक्स्ट टाइम लेट्स से दो साल बाद दोबारा आता है, तो आप मार्केट का एक सर्वे कीजिए, उसमें देखिए कि और कौन सी कंपनीज हैं, और उन कंपनीज को अपनी बिडर्स लिस्ट पे शामिल करने की कोशिश कीजिए. You must strive to get new companies tender for your job also, because likelihood ये है कि वो companies जो हमेशा आती हैं वो there is a chance कि वो collude कर सकें, लेकिन जो नई companies अब लाएंगे उनकी probability of collusion with the old bidders is limited. Does that help? Yes sir, thank you. Thanks. Sir, I have a question. जी सर, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जी कि न्यू कंपनीज को एंटाइटल करना चाहिए, उनको भी इनलिस्ट करना चाहिए ताकि वो पार्टिसिपेट करें आपकी टेंडरिंग में. तो सर एक और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इसकी एक और रेमेडीज दी है कि आप ई टेंडरिंग की तरफ भी जाए. जैसे जैसे आप ई टेंडरिंग की तरफ जाएंगे तो ये इनके पूलिंग सिस्टम जो है वो इसको ये डिस्करेज होगा और आपके पास अच्छी और कम्पिटिटिव बिड भी आएगी. ये सर ई टेंडरिंग इज अनदर सॉल्यूशन. एग्जैक्टली दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. इंग्लैंड में देखो पब्लिक सेक्टर के जो टेंडर्स होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर, रेलवे इज पब्लिक सेक्टर ऑल्सो, इनका एक डिलेमा है. और डिलेमा ये है कि रेलवे के अपने लोग हैं, उनके अपने कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके एक सिस्टम है. तो जो लोग इन्हें कहते हैं इनकम्बेंट्स, यानी कि वो लोग जो आपका काम अभी कर रहे हैं, इनको वो सब चीज़ें पता होती हैं. सो दे आर एट एन एडवांटेज टू द पीपल और कंपनीज जो रेलवे के साथ काम नहीं कर रहे. एक और इशू है वो ये है कि there are many companies that I personally know, वो कहते हैं public sector में काम नहीं करेंगे. So England में एक नया initiative उन्होंने launch किया और वो कहते हैं कि जी हम there's a firm, वो firm जो है on behalf of the public sector buyer, वो लोगों को जाके train करती है, वो उन्हें कहती है कि जी आपके bid हम बनाएंगे, price आप डालिएगा, लेकिन वी विल हेल्प यू डेवलप अ बिट, वी विल हेल्प यू गो थ्रू दिस प्रोसेस, ताकि आपका वो हैंडीकैप खत्म हो जाए
इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है टू इम्प्रूव कंपटीशन एंड कॉन्टेस्टेशन, विच मीन्स कि कोल्यूजन का चांस या प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. सो मुशरफ ने क्वेश्चन जो प्रोपोजिशन दी है पीईसी के हवाले से बिल्कुल ठीक है, लेकिन ई टेंडरिंग, सिर्फ ई टेंडरिंग इज नॉट द सोल्यूशन. यू नीड टू वर्क विद द मार्केट टू इंश्योर कि आपका वो रिप्लेसमेंट हो रहा है वहाँ पे बिडर्स का, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कोल्यूजन. अच्छा जी, ये कुछ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन. जी जी सर, पीआर में पाकिस्तान रेलवे में एक और भी प्रॉब्लम्स है, जो इन सीनियर ऑफिसर्स है ना वो उसको बताते हैं. वो ये कहते हैं कि हम पूलिंग को रोकने के लिए जब हम प्राइवेट पार्टीज को कहते हैं ना कि आप भी अपनी बिट फिल करें, तो जो पूलिंग पहले से बनी हुई है उनको जब पता चलता है कि कोई प्राइवेट पार्टी आ रही है तो उनमें से कोई एक लोएस्ट बिट प्लेस कर देता है. जैसे वो लोएस्ट बिट प्लेस करता है, मतलब ऐसी बिट प्लेस करता है जो बहुत ज्यादा लो हो, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा लो हो, उसे पता होता है कि बिट उसको ही मिलेगी. जैसे ही मतलब बिट खुलती है, उसको मिलती है, तो वो अपनी बिट से बैकआउट हो जाता है. जब बैकआउट करता है तो सिर्फ उसका जो सिक्योरिटी मनी है, सिर्फ वो हम उसकी कैप्चर कर पाते हैं, या इवन हम उसको ब्लैकलिस्ट भी कर देते हैं. तो इन दोनों का सोल्यूशन उन्होंने निकाला होगा कि अगर वो बैकआउट करते हैं तो सिर्फ सिक्योरिटी मनी उनको अपनी प्लेस करवानी पड़ेगी, इसे पीआर का भी टाइम जाया होगा और प्राइवेट पार्टी जो आई है वो भी डिस्करेज होगी. और सेकंड, अगर इन केस अगर हम उनको ब्लैकलिस्ट भी करते हैं तो अपनी कंपनी का नाम चेंज करके फिर दोबारा आ जाते हैं. तो ये भी काफी मैल प्रैक्टिसेस यहाँ पे चल रही हैं, तो इसके ऊपर क्या किया जा सकता है? इसके ऊपर देखो, अभी आगे एक चीज आएगी, उसका नाम है ALB, एप नॉर्मली लो बिड्स. ठीक है, इसको पेपरा में तो नहीं, लेकिन एशियन बैंक के रूल्स में इसके ऊपर काफी तफसील से बात की गई है कि जब एक एप नॉर्मली लो बिड आए तो आप उसको कैसे डील करते हैं. ठीक है, बट आपका कंसर्न बिल्कुल लेजिटिमेट है और ऐसा होता है. हमारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस रही हैं जहाँ पे जो चीज़ आप कह रहे हैं, वो जो अर्नेस्ट मनी जिसकी फोर फीट हो जाएगी, वो क्या करते हैं, वो सारे मिलके उसको दे देते हैं. लेकिन उसने एक काम तो कर दिया ना, और वो अगर वो ब्लैकलिस्ट हो गया तो उसने अपनी वो जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसका पिछले कई सालों का, वो जाया कर दिया. सो इट इज नॉट एज ईजी. ठीक है, और खास तौर पे कंस्ट्रक्शन की दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है. अगर आपका एक्सपीरियंस खत्म हो जाए, ट्रैक रिकॉर्ड खत्म हो जाए, आपको नए सिरे से शुरू करना पड़े, इट मींस कि आपका लॉस बहुत ज्यादा है. हेंस इसको भी अवॉइड किया जाता है. ठीक है, दिस इज अ पेनल्टी. ब्लैक लिस्टिंग इज अ सीरियस थिंग. हम ब्लैक लिस्टिंग के ऊपर भी हमारा आज एक है, there is a slide or two जिसमें हम बात करेंगे. ठीक है, moving on, what are the prerequisites before you go to bid for a formal firm approach? prerequisites क्या क्या होने चाहिए? budget availability, specifications, your work scope, evaluation scheme or criteria, terms and conditions. everyone okay with this? अबू बकर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बजट अवेलेबिलिटी क्यों जरूरी है? बजट अवेलेबिलिटी सर, अगर आपने वर्क कोई एग्जीक्यूट करवाने हैं तो आपके पास इन हैंड जो है वो बजट अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जब वो सर्विसेज प्रोक्योर हो जाएंगी तो आपने जो है आपका सप्लायर जो है उसको टाइमली जो है पेमेंट करनी है, तो इसलिए बजट अवेलेबिलिटी जरूरी है. तो अगर मैं आपके पास, लेट्स से यू आर द प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास ऑपरेशंस मैनेजर आता है, कहते हैं यार अबू बकर मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे खरीद दीजिए, आप उसे पूछेंगे कि बजट अवेलेबल है या नहीं है? यस. अगर नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? सॉरी सर, रिपीट करें, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन की प्रॉपर. अगर उसके पास बजट अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन? इसमें सर ये किया जा सकता है कि अगर मैं सर्विसेज एक्वायर कर रहा हूं तो
कंडीशन ऐड सर की जा सकती है कि जिस तरह नॉर्मली सर हम मंथली पेमेंट सर करते हैं आईपीसी जिस तरह बनती है वन मंथ की बेस पे सर पेमेंट होती है, तो अगर आपका बजट में थोड़ा डिले आता है तो वो कंडीशन सर ऐड कर देते हैं कि इनिशियली हम यानी कि एक माह से फर्दर जो है 15 दिन मजीद ऐड कर सकते हैं कि 15 दिन बाद भी पेमेंट हो सकती है, या उसके बाद फिर एक और कंडीशन है कि 2 मंथ तक जा सकते हैं, अगर उससे फर्दर मजीद आप डिले करते हैं तो फिर जो है वो सप्लायर जो है वो उसकी बेस पे जो है सर वो चैलेंज कर सकता है इस चीज़ को, फॉलो नहीं कर रहे सर। आप ठीक लाइंस पे सोच रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ये जरूर रखना कि पेमेंट का बजट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। पेमेंट इज अ प्रोसेस, वो बाद में आएगा, पहले प्रोक्योरमेंट आएगा, और प्रोक्योरमेंट नहीं करेगा बंदा उस वक्त तक जब तक मुशरफ जस्ट गिव मी 1 सेकंड, पेमेंट उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक बजट अवेलेबिलिटी कंफर्म नहीं हो जाती, बजट का जो कोड है वो लिख नहीं दिया जाता। यू कैन नॉट टेक इट टू द मार्केट फॉर अ फर्म कोटेशन और अ फर्म टेंडर और अ फर्म बिड। आप बजटरी प्रपोजल के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप रिफ्यूज कर देंगे आगे बढ़ने से ये कह के कि सर आई एम सॉरी आप अपना बजट ले आइए, मैं फिर इसको टेंडर करा दूंगा, ठीक है। यस मुशरफ, मुशरफ जी सर, आपने हाथ रेज किया था। जी सर, मैं सर इसी के साथ आपकी इसी बात के साथ ऐड करता हूँ कि सर यही है कि व्हेन यू हैव नो बजट यू हैव नो राइट टू लॉन्च योर प्रोजेक्ट इन मार्केट। पहले आप अपने डिफरेंट फोरम से उस बजट को अप्रूव करवाएंगे, फिर आप उस प्रोजेक्ट को मार्केट में लाएंगे। विदाउट बजट आप उस प्रोजेक्ट को मार्केट में ला ही नहीं सकते। ब्रिलियंट, सुपर सर। आई हैव अ क्वेश्चन सालिक, एक सेकंड सर। आपको याद है मैं जब फर्स्ट टाइम आया था आपके पास मेनी मंथ्स अगो एंड वी लुक्ड एट द इंट्रोडक्टरी कुछ प्रिंसिपल्स थे कॉन्सेप्ट्स, तो उसमें ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात हुई थी, और उसके अंदर जो पहली अथॉरिटी थी वो थी इंडेंट। इंडेंट का मतलब है योर राइट और योर अथॉरिटी टू मेक अ परचेस रिक्विजिशन, यानी कि जो ऑपरेशंस मैनेजर की हम बात कर रहे हैं उसके पास ये अथॉरिटी है, और इंडेंट उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक बजट ना हो। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं यासिर का। यासिर आपसे पहले सर, ये कोई और तो नहीं था ना? जी सर, मैं ही था। सर ये जो आपने अभी बताया कि बजट अवेलेबिलिटी अगर ना हो तो आप ना वो मतलब प्रोजेक्ट ही निकालेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो सर इसमें हमें ये हमारे सारे यहाँ पे हमें पढ़ाते हैं वो प्रोक्योरमेंट करते हैं पाफिस यूनिवर्सिटी, सर वो बता रहे हैं कि कभी कभार हमारा बजट जो है वो अप्रूव ही नहीं हुआ होता लेकिन हम पहले ही टेंडर कर देते हैं, तो उन्होंने बताया था कि इससे क्या होता है हमारा टाइम जो है सेव हो जाता है, तो वो बता रहे थे हमारे वो बजट और टेंडर भी हो जाते हैं, तो ये समझ नहीं आई कि उनके फिर एक्सेप्ट कैसे हो गए थे। देखें प्रैक्टिस बहुत सारी है, लेकिन आपको वो चीज़ करनी है जो आपको इजाज़त है, and procurement rules are very clear that you will not take it to the market for a firm tender unless you have budget available. Agar aap karte hain then you're taking a risk. Risk kya hai? Budget approved nahi hota. Aajkal kya ho raha hai? Har taraf se slash ho rahi public sector mein because of austerity. Pakistan ki economy is in dire straits. Aapne koi cheez khaas taur pe bahar se leni ho तो उसका बहुत प्रॉब्लम है, स्टेट बैंक आपको फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं देता, अलाउ नहीं करता। आपने अगर ऐसा टेंडर कर दिया और आप अवार्ड करने के करीब पहुंच गए और आपको पता चलेगा कि आपका बजट जो है स्लैश हो गया है, कट हो गया है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज खराब होगा। हेंस एनी गुड प्रोफेशनल विल नेवर डू दिस। आई फॉर इंस्टेंस मैंने अपने हाथ से बहुत सारी प्रोक्योरमेंट की दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में, आई हैव नेवर डन इट, ठीक है, इट्स वेरी क्लियर। जुल्फिकार नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम
सालिक गो अहेड सालिक Can you hear me? सर वो लाइट चली गई तो ऑफ हो गया वाईफाई ऑफ हो गया ना ओके ओके आर यू बैक नाउ क्वेश्चन जी ज़ुल्फ़िकार गो अहेड ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने कहा कि ऑस्टेरिटी ड्राइव के तहत काफी जो है स्कीम्स का बजट कट हो जाता है तो एक चीज समझ में नहीं आती कि जब किसी पीएसडीपी या किसी भी फंड में आपका जो अप्रूव हो गया फंड तो हो सकता है वो सेकंड ईयर पे शिफ्ट हो जाए आपका जो शेयर है वो लेकिन कट होगा तो बिल्कुल स्कीम खत्म हो जाएगी फिर तो नहीं दो 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 चीजें ना दो सिनारियोज हैं एक सिनारियो ये है कि आपको बजट एलोकेट हो गया आपने उसकी बेस पे टेंडरिंग कर दी अब वो बजट कम हो जाता है ठीक है तो ऑब्वियसली ये डिसीशन जो है ये एक हाईएस्ट लेवल पे लेके जाया जा रहा है और लिया जा रहा है और उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सब लोगों को मालूम है और उसमें प्रोक्योरमेंट के बंदे का या बंदी का कोई फॉल्ट नहीं है बिकॉज ही और शी डिड द राइट थिंग कि उसने बजट देखा और फिर उसको उसने वहां पे मार्केट में ले गई वो सो ये एक डिफरेंट सिचुएशन है नाउ दी एबिलिटी टू कट बजट्स एट अ पीएसडीपी लेवल पे ये एक सीरियस प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंदर ही मिनिस्टर के अप्रूवल से होते हैं So, आपके रेलवे के चेयरमैन को भी पता होगा ठीक है सो देन इट मींस कि ठीक है यार आप इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं चाहे रेलवे के इमेज के लिए हैं क्रेडिबिलिटी के लिए हैं ठीक है मार्केट रेपुटेशन के लिए हैं वो सब ने मिलके झेल लिए एटलीस्ट ये नहीं होगा कि प्रोक्योरमेंट के बंदे ने एक रिस्क लिया और ऑपरेशंस मैनेजर के कहने पे एक ऐसी चीज टेंडर कर दी जिसका बजट अवेलेबल नहीं था सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स ठीक है जो केस आपने दिया है उसमें एक जॉइंट ओनरशिप आ जाएगी और सारी गवर्नमेंट की मशीनरी ने इसमें प्लानिंग है रेलवेज है फाइनेंस है तीनों ने मिलकर उसकी जॉइंट ओनरशिप ले ली कि ठीक है यार नुकसान होता है रेपुटेशन का होता रहे हमने ये चीज कर ली है ठीक है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है ज़ुल्फ़िकार सर थैंक यू सालिक आपका क्वेश्चन था नेक्स्ट सर रेपुटेशन से मुतल्लिक सर मैंने एक चीज पूछनी थी सर ये जैसे भी पहले डिस्कस हो रहा था कि हम लोग जो हैं जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर पूलिंग या पोल्यूशन जो थी उसके अंदर सर जैसे अगर कोई इस तरह की बिड आ जाए तो हम यूजुअली देखते हैं कि हमारे जो पुराने टेंडर हुए में हैं और उनसे कंपेयर करते हैं कि हमारी क्या उसका नाम ये जो बिड आई है ये रीजनेबल है या नहीं है और यूजुअली जो जस्टिफिकेशन भी यही होती है वो पुरानी बिड्स को जब भी कोई केस इस तरह का होता है तो वो उन्हीं को देखा जाता है कि पहले जो पुराने टेंडर्स हुए थे वो किस कीमत पे हुए थे तो सर इस केस सिनेरियो में सर अगर हमारे पास कोई इस तरह की कोलूजन के थ्रू अगर कोई बिड आती है जो अनयूजुअल रेट्स पे है और हमें फिर ये वाली बात है कि हम उसे एक्सेप्ट करें या कैंसिल करें क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो नैब की केसेस की तरफ जाती है और अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट होता है नहीं देखो नैब तो अगर आपने प्रोसेस ठीक फॉलो किया तो नैब का मसला नहीं है वी मस्ट फॉलो द प्रोसेस राइट अब हम आते हैं वैल्यू साइड पे अब जो चीज आप कह रहे हो ना कि समथिंग दैट आई हैव नेवर डन इज टू कंपेयर द प्राइसेस विद द लास्ट बिड व्हाई बिकॉज टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि एक चीज जो आज आई 100 रुपए की वो कल 50 रुपए की हो जाती है ऐसा ही है ना यस सर ठीक है सो
टेक्नोलॉजी ने ये किया कि उसने ये कहा कि जी यू शुड नॉट कंपेयर टुडेज प्राइसेस विद लास्ट ईयर्स प्राइसेस और थ्री इयर्स अगोस प्राइसेस बिकॉज द चेंज इन टेक्नोलॉजी इज इम्पैक्टिंग द मार्केट वेरी वेरी फास्ट सो दैट इज नॉट अ गुड बेंचमार्क. ठीक है, मेन चीज ये है कि आपको मार्केट का पता होना चाहिए. द मोर नॉलेजेबल यू आर अबाउट द मार्केट और उतना ही आपको बेहतर प्रोक्योरमेंट करने का मौका मिलेगा. ठीक है, आपको जितना इंफॉर्मेशन आपको आएगी आप उतना ही इन्फॉर्म्ड डिसीशन ले सकेंगे. याद है हमने कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रेटजी पढ़ा था तो उसकी सबसे छोटी डेफिनेशन उसकी क्या थी, मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीशंस. द मोर इंफॉर्मेशन यू हैव इट द मोर रोबस्ट योर प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी विल बी. ठीक है, अच्छा आई थिंक अहमद हैज अ क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन. अहमद आपका सवाल है? सर मेरा ही एक और क्वेश्चन है जी. सर ये हमारे रेलवे के अंदर सर ये एनएलसी ने सर कुछ लोकोमोटिव जो हैं कोरिया से खरीदे सेकंड हैंड, उनको मतलब मेंटेन किया मतलब और उनको कन्वर्ट किया नैरो गेज से ब्रॉड गेज में और ला के हमारे हिसाब से कंपेटेबल करके यहाँ पे चलाने शुरू कर दिए. ठीक है, तो सर इस तरह की कोई चीज़ हम नहीं कर सकते, मतलब कि इस तरह की कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो हमारे रेलवे को मतलब कोई चीज़ वो कर सके बेनिफिट कर सके. सर क्या इसकी कोई है रूम फॉर इनोवेशन इन रेलवे या सेपरा? क्यों नहीं है? आप फर्ज करो कि अपने रेलवे के इंजन्स को चेंज करना चाहते हो फ्रॉम डीजल टू इलेक्ट्रिसिटी, फर्ज कीजिए इनोवेशन है ना. ठीक है, या लेट्स से कि आप कहते हो कि यार हम रेलवे के साथ हम एक ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करना चाहते हैं, या फर्ज कीजिए आप कहते हैं हम एक कोरियर सर्विस शुरू करना चाहते हैं, तो ये दीज आर ऑल इनोवेटिव बिजनेस ग्रोथ बिजनेस डेवलपमेंट आइडियाज. तो आपके पास पूरी इसकी अवेलेबिलिटी है, आपके पास पूरी फैसिलिटी है कि आप ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द अप्रूवल्स जो आपके इंटरनल सिस्टम से आएंगी. पेपर आपको मना नहीं करता इस चीज़ से, आपको अपना बिजनेस केस पता है, आपने देख लिया कि प्रॉफिटेबल होगा, आपको पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आपको मार्केट का पता चल गया, आपने अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बना ली, बजट आ गया, चीजें प्रोक्योर करनी है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. पेप्रा डजंट कम इन बिटवीन. और फॉर दैट मैटर एक और भी हमारा मेथड होता है, उसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप P3, बहुत कॉमन है, तो आप वो कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन ऑलवेज डू दैट. देयर इज नथिंग इन पेप्रा दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम bringing innovation to your procurement. चलिए हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं और my request to Rafe is if you can read from this slide please. Rafe, before you read, Hania. तो वो ऑनलाइन नहीं है अभी लाइन लाइट की वजह से. सवाल था राफे गो अहेड कि हम जो सर आए थे हमारे पास रेलवे से पढ़ाने के लिए, तो पेपरा में नेगोशिएशन नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने हमें कहा था कि हम नेगोशिएशन करते हैं, लाइक हम कहते हैं कि सामान हमें आज चाहिए, इतने परसेंट हम पेमेंट आज करेंगे और बाकी की नेक्स्ट ईयर या वो टर्म सेट कर लेते हैं, तो इस तरीके से हम निगोसिएशन करते हैं. तो सर जैसे इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो रही है और मतलब लाइक प्राइसेस में इतनी वेरिएशन आती है, तो वो किस तरीके से करते हैं हम? देखिए दो तीन चीजें कही है ना. एक तो ये कि निगोशिएट करना, तो ये निगोशिएशन नहीं है, ये तो अपने टर्म सेट कर ली. तो उन्होंने जिस निगोशिएशन कहा था
देखिए वो उस तरह से कह सकते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट इन अगर एज लॉन्ग एज के आपने यही पेमेंट टर्म्स सब बिडर्स के सामने रखी हैं, देन फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. ठीक है, सो एक तो ये पहले नेगोशिएशन का मतलब ये है कि आपने एक ऐसी चीज की जो सब टेंडर्स को नहीं पता थी और आपने किसी एक को सेलेक्ट करके whether that person was the lowest or the best, और आपने उससे समथिंग आउटसाइड द ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट जो शेयर किया था और बाकियों के साथ भी शेयर किया था, आपने वो चीज निकाल के उसके सामने रखी और आपने कहा अब मुझसे नेगोशिएट करो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर रहे हो. क्योंकि हो सकता है कि अगर आप सबके सामने वो चीज रखते जो अभी आप नेगोशिएट करने जा रहे हो, तो आपको डिफरेंट रिस्पॉन्सेज मिलते उन बिड्स पे. सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी और कंपटीशन, ये चीज ठीक नहीं है. सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन. द सेकेंड पार्ट इज के इन अ फास्ट चेंजिंग इन्फ्लेशनरी वर्ल्ड, हाउ डू यू मैनेज योर प्रोक्योरमेंट, यही क्वेश्चन था जी सर. अब ये तो इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर स्ट्रेटजी. ठीक है, आप एक चीज मंगाते हैं, आप कहते हैं कि जी ठीक है, फर्ज कीजिए उसका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, और 3 साल में आपको नहीं मालूम कि मार्केट किस तरफ जाएगी इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो यू कैन पुट एन इंडेक्स कि जी मैं आपको जो प्राइस ले रहा हूँ आपसे, लेट से 100 रुपीज है, मैं ये 100 रुपीज है आज की इन्फ्लेशन 10% के साथ लिंक्ड. कल अगर इन्फ्लेशन 5% होती है तो मैं प्राइस जो है इसके अंदर से 2 रुपए कम कर दूंगा, और इन्फ्लेशन के लिए मैं देख रहा हूं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का जो इन्फ्लेशन आता है मैं उसको लूंगा. ठीक, तो अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया और क्लियर हो गया. और अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है 10% से 20% चली जाती है 1 साल बाद, तो मैं आपकी प्राइस बढ़ा दूंगा 3 रुपए, मिसाल दे रहा हूँ. ठीक है, सो यू हैव टू रियली नो कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट प्राइस पे किस तरह से आता है. यही चीज आप उसमें भी डाल सकते हैं फ्यूल के साथ. लेट से आपका एक ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फ्यूल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लेट से फ्यूल इज 30% ऑफ द टोटल ओवरऑल कॉस्ट, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी आज की जो फ्यूल प्राइस है उसके साथ लिंक कर दें प्राइस, और उसको हम एक बेंचमार्क बनाते हैं, उस बेंचमार्क के साथ एक फॉर्मूला डाल देते हैं, और हम कहते हैं कि अगर पेट्रोल 50 पे बढ़ता है, आपकी टोटल इनपुट जो कॉस्ट है फ्यूल की वो है 30%, तो मैं आपकी प्राइस उसमें 30% बढ़ा दूंगा. लाइकवाइज लेकिन ये दोनों तरफ करना पड़ता है, अगर कम होता है तो फिर मैं प्राइस कम कर दूंगा. सो दिस इज यूजुअली हाउ यू मैनेज इन्फ्लेशन फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंसी पर्सपेक्टिव. इसके जो बाकी मेथड्स हैं मैनेज करने के वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो इस वक्त हमारा सब्जेक्ट नहीं है असल में. ठीक है, बट डज दैट सैटिस्फाई यू हानिया? यस सर, थैंक यू सर. सालिक गो अहेड. सर मेरा क्वेश्चन स्लाइड नंबर 12 से. हेलो, आगे सर, उसमें अगर मेरा ये क्वेश्चन था कि एक स्कोप ऑफ वर्क के लिए बजट डिफाइन था, उस वक्त हमारे पास बजट मौजूद था, लेकिन स्कोप ऑफ वर्क चेंज होने से बजट जो था वो हमारे लिए कम बढ़ गया, फिर कैसे प्रोजेक्ट को आगे चलाएंगे? देखो ये भी क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड टू बजट है, और अगर आपको पहले अच्छी तरह मार्केट का अंदाजा था तो आपका बजट आउट नहीं होना चाहिए था, नंबर वन. नंबर टू, आपने बिड्स की, आपको अनएक्सपेक्टेड मिला, 10% तक की गुंजाइश होती है. ठीक है, कि 100 रुपए का बजट था, बिड आ गई 109 रुपए की, दैट इज फाइन, वो आप हैंडल कर लेते हैं, ये अलाउड होता है. लेकिन फर्ज करें बिड आ गई 125 रुपए की, तो यू आर आउट बाय 25%. व्हाट डू यू डू, आप अपने यूजर को कहते हैं जिसने पीआर रेस की है, यानी कि रिक्विजिशन रेस की है, कि जी ये है आपका बजट इतने, आप जाइए आप सप्लीमेंटल बजट लेकर आइए, वो फिर अपना प्रोसेस रन करके अपने लिए वो 25 रुपए और रिक्विजिशन कराएगा इन इस बजट. हैप्पी? हैप्पी, गुड.
व्हाट इज सिंगल, आपने एक चीज टेंडर कर दी, आईटीटी भेज दिया, तो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, व्हाट डज दिस मीन? सर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेरे ख्याल में वो कोई पर्सन या डिपार्टमेंट होता है जो सारी क्वेरीज क्लाइंट की तरफ से हैंडल करता है. मेबी. वेरी गुड यासिर, थैंक यू. डिपार्टमेंट नहीं, बंदा. यू मस्ट नेम अ पर्सन. और सॉरी, समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि क्वेरीज के लिए एक छोटा सा डिपार्टमेंट भी बना दिया जाता है, इसलिए मैंने कहा कि मे बी अ पर्सन और समटाइम्स अ डिपार्टमेंट. हाँ, मैं उस पे एज लॉन्ग एज उस डिपार्टमेंट के अंदर ये पता है कि इस टेंडर के ऊपर ये बंदा, और बंदे से मुराद ये नहीं कि हम नाम लिखेंगे कि यासिर, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि जी प्रोक्योरमेंट मैनेजर या प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट या प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, और बाय डेजिग्नेशन. बाय डेजिग्नेशन भी आप कर सकते हैं उसको. ठीक है, ओके सर. नाउ फर्स्ट कीजिए कि जो आपका एक पोटेंशियल बिडर है, पोटेंशियल इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपके पास बिड्स नहीं आई, वो फोन कर देता है ऑपरेशंस मैनेजर को, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट असल में ऑपरेशंस का है. इज दैट राइट और रॉन्ग? सिंपल है. कैन यू रिपीट? इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत है सर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत है. मुझे रिपीट करने को बोला गया तो. अच्छा साले खानी, अगर आपने अपना आपके क्वेश्चन एड्रेस हो गए तो हैंड रेज अपना रिमूव कर दीजिए. मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन. आपने आईटीटी इशू कर दिए, बिट रिसीविंग में अभी एक महीना बाकी है, एक पोटेंशियल बिडर है मार्केट में, वो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अप्रोच नहीं करता, और वो उसकी जगह जो यूजर डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो जानता है सबको, काम कर रहा है रेलवे के साथ, तो वो अप्रोच करते हैं ऑपरेशंस मैनेजर को, फर्ज कीजिए. इज दैट राइट और रॉन्ग? ये नहीं ठीक, उसको सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ही करना चाहिए. एब्सोल्युटली, वेरी क्लियर. ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या? सर मुझे जो लगता है वो जो ये जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है इन्होंने कि प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, जर्नल, फिर स्टेशनरी की बात आ गई, ह्यूमन रिसोर्स की बात आ गई, और फूड एंड कैटरिंग की बात आ गई, आईटी साउंड सिस्टम. सर ये डिफरेंट चीजें एक ही टेंडर के अंदर इन्होंने मांगी हुई है. तो बहुत अच्छे, ठीक है. सर एक इन्होंने सर यहाँ पे जो प्रेफरेंस दी हुई है प्रिंटिंग ऑफ बैनर्स एंड एक सेकंड होल्ड द लाइन, जस्ट मैं पहले हानिया वाला, हानिया नंबर 5 पढ़िए क्या लिखा है. सी कैन ईच टेंडर डॉक्यूमेंट मस्ट अकंपनी अर्नेस्ट मनी ऑफ 50,000. सर उसमें लिखा हुआ है कॉल डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ कैश डिपॉजिट. कॉल? नहीं नहीं नहीं, पहले हानिया का जो क्वेश्चन है, हानिया का जो उसने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है कि डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स की उसने चीज़ें मर्ज कर दी हैं, प्रिंटिंग को उसने फूड के साथ मर्ज कर दिया, आईटी के साथ मर्ज कर दिया. ठीक है, तो इट सीम्स जब हम नंबर 5 पढ़ते हैं कि आप यू हैव द चॉइस बिकॉज वी डोंट, वी हैव जस्ट द एडवर्ट, हमारे पास डिटेल इसका वो जो आईटीटी या आरएफटी वो टेंडर नहीं है. ठीक है, लेकिन नंबर 5 पढ़ के लगता है कि यू हैव द ऑप्शन टू गो फॉर ईदर ए और बी और सी और डी इफ नॉट एवरीथिंग टुगेदर. ओके सर. ठीक है, और ये इसने इसलिए किया है कि उसके पैसे बच गए, उसने एक इश्तिहार में 4 चीजें कवर कर ली. अब दूसरा बताइए, कोई और साहब कुछ कहना चाह रहे थे? सर ये मैं कह रहा था कि जैसे ये जो है प्रिंटिंग बैन वगैरह वाली जो सारी चीजें अदर डिजाइनिंग मटेरियल्स, सर इसके अंदर फॉर वर्कशॉप्स, मीटिंग, सेमिनार्स एक्सेट्रा के आगे जो इसने लिखा हुआ है एंड एनुअल पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2019 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20, तो सर इसने बीच में स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि हम उसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे जिसने इस इवेंट पे जो काम किया था. तो सर ये थोड़ा सा
लीडिंग सा है कि हम प्रेफरेंस देंगे इस बंदे को. ठीक है, आई एग्री. बट ये अब आपने एक चीज और रेज की जो हानिया के ऑब्जेक्शन को बेसिकली एंडोर्स कर रही है कि डी के अंदर, सिर्फ डी के अंदर उसने बहुत सारी चीजें मर्ज कर दी. तो हमने जो असम्पशन ली कि यार हो सकता है ये चार डिफरेंट टेंडर्स हों, लेकिन उसमें एक टेंडर अगर सिर्फ आप देख लीजिए डी का, तो क्या ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं? And my answer no, sir, is, I think it's an event management. Exactly. Anam, brilliant point. ठीक है कि ये event management है. Event management is a market category. It's a market segment. आपको market में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सिर्फ event management करते हैं. Hence, they qualify in this tender जो D के तौर पे इसने list किया हुआ है. ठीक है. So thank you, Anam. आपने सबसे बड़ी चीज छोड़ दी. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देखिए इसका. यार इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ सर्विसेज एकेडमी, एडमिन का बंदा क्यों कर रहा है? प्रोक्योरमेंट का बंदा नहीं रख सकते? और अगर एडमिन के बंदे ने ही करनी है, फर्ज कीजिए उसके पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिन एंड प्रोक्योरमेंट, तो वो अपने आप को यहां पे प्रोक्योरमेंट लिखे, अपनी ईमेल दे. ठीक है, ये चीज अच्छी नहीं. दिस इज बैड हाउसकीपिंग, इट्स अनहाइजीनिक. ठीक है, आपको यहां पे प्रोक्योरमेंट का नाम देना चाहिए कि जी प्रोक्योरमेंट, चाहे वो एडमिन का बंदा है और उसके पास एडिशनल चार्ज है या ड्यूअल चार्ज है प्रोक्योरमेंट का, लेकिन इट लुक्स मोर प्रोफेशनल कि यहाँ पे वो अगर अपना प्रोक्योरमेंट का टाइटल लगाता और साथ में एक ईमेल भी दे देता. ठीक है, मेरा ये पर्सनली ये सबसे पहली चीज है. वी मूव ऑन टू दिस वन, क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इनका टेंडर आया है, इसको आप पढ़ लीजिए. सर ये जो प्रीवियस एडवर्टीजमेंट थी सर, इसके अंदर जैसे लिखा हुआ था कि ये जो जिसने ये स्पेसिफिक इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, हम उसी को प्रेफर करेंगे. ये पॉइंट ए के अंदर जैसे इसका जो पॉइंट ए के एंड पे जो है एंड पब्लिक एनुअल पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2019 फॉर फिजिकल ईयर दिस, तो सर ये थोड़ा सा वो नहीं है कि आप किसी को प्रेफर दे रहे हैं? सर ये जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, जर्नल्स, प्रोस्पेक्टस, सर्टिफिकेट्स, बैनर्स एंड अदर प्रिंटिंग एंड डिजाइन मटेरियल फॉर वर्कशॉप्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स एक्सेट्रा एंड एनुअल पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2019 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20. यार ये मैंने ये तो नहीं कहा कि ये आज का है. आप का पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि वो कह रहा है कि टेंडर मुझसे ले सकती हो 27 तक, लेकिन टेंडर सर तो बिट ओपन तो अब उसके बाद होना चाहिए ना सर, जब तक आप इशू करते हैं 24 को, तो 3 दिन पहले की डेट देता या 1 दिन पहले की डेट देता या 1 घंटा पहले की डेट देता, 3 दिन बाद की डेट तो ना देता ना. सो वैलिड पॉइंट, आई एग्री. सर सेकंडली इसमें भी वही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन्होंने मेंशन किया है, जिस तरह आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली बात कर रहे थे, तो ये यहाँ पे भी वैलिड पॉइंट होगा. ठीक है, आई एग्री. मैं इससे बिल्कुल मानता हूँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, बट ही शुड get a contracts manager or procurement person जो ये इश्तिहार इसका दे. और सर उनका एड्रेस दिया हुआ? जी तो उनका एड्रेस भी नहीं दिया हुआ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, बिकॉज़ द डॉक्यूमेंट्स कैन ओनली बी रिसीव्ड फ्रॉम द अंडरसाइंड ऑफिस.
बिल्कुल मैं मानता हूँ ये बात भी कि यार कुछ नाम पता दे दो, ये तो इसका मतलब तो यही है कि सिर्फ उन्हीं को बुला रहे हैं जिनके साथ ये काम करते हैं जी। दुल्फिकार जो है ना डिपॉजिट करना पड़ेगा कॉल डिपॉजिट, तो ये टेंडर या आपकी बिड जाती है बाद में करते हैं? दोबारा बोलिए मुझे, आपकी आवाज लूज हो गई थी। देखा है कि जैसे ही आप ऑफिस में आएंगे टेंडर डॉक्यूमेंट्स लेने, वहां पे आपको 5% जो है वो जमा करनी पड़ेगी कॉल डिपॉजिट। तो बाद में बंदा बिड करे या ना करे, लेकिन वो पैसे पहले कैसे जमा करा सकता है ये थोड़ा क्लियर करिएगा सर। नंबर बताइए कौन सा है। ये सर दूसरा जो है आपने जो शेयर किया अभी, इसमें लाइन नंबर जो टर्म्स एंड कंडीशन में जो चौथी लाइन है, नंबर टू है। बिल्कुल सही, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने उठाया है कि यार द टेंडर विल नॉट बी इश्यूड विदाउट सबमिटिंग टेंडर फी ऑफ 1000। बिल्कुल ठीक है सो फार। आगे जो कह रहे हैं जरा वो पढ़िए, टेंडर डॉक्यूमेंट्स विल बी इश्यूड आफ्टर सबमिटिंग 5% कॉल डिपॉजिट एज एन, इसने लिखा ईमेंड मनी। ईमेंड मनी कोई चीज नहीं होती, अर्नेस्ट मनी लिखना चाहिए इसको शायद, ऑन द डेट ऑफ इश्यू। भाई मैंने टेंडर देखना है, उसको इवेल्युएट करना है, पढ़ना है, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि टेंडर करना भी कि नहीं करना। तो 1000 रुपये मुझसे ले लो उसका, लेकिन मैं अर्नेस्ट मनी उस वक्त क्यों दूं जब मैं टेंडर लेने जा रहा हूं, ना कि टेंडर देने जा रहा हूं। बिल्कुल सही है। एनीथिंग एल्स ऑन दिस, अदरवाइज वी मूव ऑन। जुल्फिकार आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया या कॉमेंट? अच्छा ये देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। इंसिडेंटली इस कंपनी के बोर्ड पे मैं 2 साल रहा हूँ, इसमें आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। ओके, व्हाट डू यू सी? सर इसमें सबसे पहली चीज तो ये कि बड़ी वेग डिमांड है इनकी, कि हेल्थ सर्विस फॉर हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज। तो फॉर प्रॉपर सबमिशन ऑफ बिड जो है सर, उनको एटलीस्ट ये बताना चाहिए कि टोटल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है जिनके लिए चाहिए। शुएब हम ये अस्यूम करते हैं कि जो टेंडर डॉक्यूमेंट है ना जिसको डाउनलोड करने का ये कह रहा है, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में। ओके सर, बट यू मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक बंदा होता है या दो बंदे होते हैं? सर एक होता है। एक सर इसने कितने दिए हुए? सर ईमेल एड्रेस 2 लोगों का दिया हुआ है और सेल फोन नंबर तो बेशुमार। अच्छा तो एक से ज्यादा के दिए में गलत है। दूसरा आप देखें, पहली ईमेल पे razi.ceo, यानी कि सीईओ अपना नाम दे रहा है एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कभी ऐसा होना चाहिए कि सीईओ अपना नाम दे? एब्सोल्युटली रॉन्ग, बहुत स्ट्रिक्टली मैं इस चीज को अपोज करता हूँ। सेल नंबर क्यों दे रहे हो भाई? Why are you giving cell numbers? Are you crazy? मैं अखबार में अपना सेल नंबर दे रहा हूं,
मतलब कोई सेंस नहीं है इसके अंदर कि यार मैं अपनी ईमेल दे दी, एक आदमी की ईमेल दे, वो एक आदमी भी, ये जो तारिक साहब है SCM लिखा हुआ है, ये होने चाहिए SCM में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोक्योरमेंट करता है बंदा, आप यहाँ पे क्यों दे रहे हैं इसका? अच्छा मूविंग ऑन, अगर इस पे किसी की कोई और ऑब्जेक्शंस नहीं है तो लास्ट वन हमारा बिफोर द ब्रेक, टेंडर नोटिस फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। ये नोमान रफीक साहब कंपनी सेक्रेटरी हैं। कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है ये हम सबको पता है, क्या उसका कोई लेना देना है प्रोक्योरमेंट से? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीज इस पे देखनी चाहिए कि आप अगर आप आज के दिन में इश्तिहार उठा लीजिए टेंडर नोटिसेस जो पब्लिक सेक्टर से आते हैं, यू विल बी एबल टू पॉइंट आउट मेनी फॉल्ट्स, मेनी इनकंसिस्टेंसीज जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आई होप दिस वॉज अ यूजफुल एक्सरसाइज। हम एक ब्रेक लेते हैं 15 मिनट्स की, वी रिकन्वीन। सर आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। सर ये क्या वजह है कि मतलब इतनी बड़ी फर्म्स हैं, रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, और ये सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट टेंडर कर रहे हैं, एक तो उसमें इतनी गलतियां हो रही हैं, जिस तरह क्वेस्को का हमने पढ़ा, तो क्या वजह कि उनके पास कोई प्रोक्योरमेंट वाले बंदे वो नहीं रखते, या कुछ और वजह है? दो तीन रीजंस है यासिर, बड़ा इट्स अ बिग क्वेश्चन। एक पहला तो ये है कि प्रोक्योरमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है। माई बिलीफ इज के हम अगर अपनी प्रोक्योरमेंट कैपेबिलिटी ठीक कर लें सिर्फ पब्लिक सेक्टर में, we'll be able to save a lot of money for the government, ठीक है, इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अभी तक for some reason इस चीज़ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती, so ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा वो रीज़न है जिसके बारे में आप लोगों ने, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने बहुत लंबी बात की, वो है कि एक सिस्टम चलाओ है यार, बस उसी को चलाओ। जो कोल्यूजन की बार बार बात कर रहे थे सब लोग, वो क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि इट इज विजिबल, इट इज ऑब्वियस, इट इज प्रेवलेंट। क्यों है कि जो लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं, जिसमें सिर्फ प्रोक्योरमेंट के लोग नहीं शामिल, सब लोग शामिल हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, वो चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहते। और मैं बिल्कुल करप्शन की साइड पे नहीं जाऊंगा, उस पर मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, मैं इसको लिंक करता हूँ कि आपके पास यानी कि हमारे मुल्क में जनरली वो कैपेबिलिटी नहीं है जो आपको एक अच्छी प्रोक्योरमेंट करके दें। सो दिस इज़ माय रिस्पांस टू यू। आई डोंट नो इफ पीपल, देर आर थ्री पार्ट्स। पार्ट ए इज यूजुअली द इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स, इसमें हम लिखते हैं कि भाई ये बिड किस चीज़ की है, कब आनी है, बिट बॉन्ड कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस तरह की चीज़ें डेट्स लिखते हैं। पार्ट बी इज़ द फॉर्म ऑफ बिट, ये वो पोर्शन होता है जो यूजुअली बिडर ने फिल करना होता है, प्राइसेस डालनी है या कोई और चीज़ डालनी है। एंड पार्ट सी इज़ यूजुअली द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अ ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिससे हमने बात की है। एज ए सेट दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सल फॉर्मेट, ठीक है, यू कैन चूज वॉट एवर मेथड यू थिंक इज राइट और इज़ प्रिस्क्राइब टू यू विदिन पाकिस्तान रेलवेज, बट जनरली ये इंश्योर कर लीजिए कि ये तीनों चीज़ें इसमें होनी जरूर चाहिए, ठीक है। यानी कि एक जगह पे आपने बिडर की इंस्ट्रक्शंस दे दी इस बिड से रिलेटेड, एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो फिल करे, वहाँ पे वो लिखे कि क्या क्या उसने प्राइस देनी है या जो भी चीज़ आप उससे मांगते हैं, और एक ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट जरूर दीजिए उसके साथ। प्री क्वालिफिकेशन का आप सबको पता है, I'm sure. Optimal number of bidders.
सब लोगों को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। Can everyone hear me? Yes, sir. Yes, sir. Can you all hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है सब लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है। Can you all hear me? Yes, sir. We can. Okay. क्या लाइट चली? लाइट चली गई थी? No, sir. ब्रेक चल रहा था. ट्रेन? सर, आपकी आवाज पहले भी आ रही थी. I think आपको हमारी आवाज नहीं जा रही थी. अच्छा. आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नो सर. नो सर. नो, स्क्रीन नजर नहीं आ रही. स्क्रीन वन मीटिंग जॉइन कन्वर्सेशन विंडो. तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको ये करता हूँ और अभी जस्ट गिव मी सेकंड. अभी हुआ कि मेरे एंड पे लाइट चली गई है जिसकी वजह से वाईफाई स्विच करता है एंड हेंस द ग्लिच. मीटिंग स्क्रीन वन. Tell me when you see the screen, okay? Yes, sir. Slides are show ho rahi. Slides show ho rahi? No, sir. Sir, abhi aa gayi. Abhi slide visible. Okay. Any questions on this? Very simple. Yes, sir. Number of bidders, theek hai? हम कंसिडर अस्यूम कर रहे हैं कि हमारा टेंडर काफी बड़ा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, वैल्यू ज्यादा है उसकी. हमारे नंबर ऑफ बिडर्स हमें कितने चाहिए होने, कितने होने चाहिए आइडियली? अगर तीन से कम हो तो क्या होगा? लैक ऑफ कंपटीशन. अगर 20 हो तो क्या होगा? एनीवन? सर, अगर बिडर्स हमारे पास बहुत ज्यादा होंगे तो टेक्निकल स्क्रूटनी में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और एक कंबसम एक्टिविटी हो जाएगी. एग्जैक्टली. तो आपका रिसोर्स इंटेंसिव हो जाएगा और नॉट जस्ट टेक्निकल स्क्रूटनी also the commercial scrutiny. Okay. आपकी clarifications होती है, आपकी evaluation बहुत complex हो जाएगी, time बहुत लगेगा, hence it is resource intensive. एक और चीज, मेरे पास अब एक स्क्रीन है, I can only look at the slide, so आप hand raise ना कीजिएगा, आपको बोलना पड़ेगा if you wish to make a comment or a question. ठीक है? अच्छा. So, optimal number क्या है bidders का? मैंने लिखा है 7 से 8. ये सही है, गलत है, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, आप क्या कहते हैं?
फिर केस टू केस वेरी करेगा, जैसे अगर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है तो सर उसके अंदर थोड़े कम भी हो जाएं, मगर जैसे अगर लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए तो ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई कमेंट? देखिए ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, ये मेरी एक प्रेफरेंस है। मेरे पास एक टीम है, मैंने एक टेंडर करना है, मेरे पास 7-8 बिडर्स होने चाहिए। अगर 12-13-15 हो जाएंगे थोड़ा सा मेरा रिसोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर 20-25 हो गए तो फिर तो बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर 3-4 से कम हुए तो उसका मतलब है कि मेरी मार्केट अप्रोच है ठीक नहीं थी। अगर ये मार्केट सेगमेंट कंटेस्टेड है तो आई हैव जस्ट शोन अ प्रेफरेंस फॉर अ नंबर विच इन माय व्यू इज मैनेजेबल गिवन द रिसोर्स विच आई से 7-8, बट इट डिपेंड्स। जैसे अभी किसी ने कहा कि केस टू केस वेरी करता है, ठीक है, बट आपको अपने जहन में ये रखना है कि अगर आपके उस बहुत कम बिडर्स होंगे तब भी मसला है, बहुत ज़्यादा होंगे तब भी मसला है। आपको एक ऑप्टिमल नंबर को फोकस कर रखना चाहिए अपने जहन में, ठीक है। अब एक एक्सरसाइज है, वो ये है कि इन अ ग्रुप फॉर्मेट आइडेंटिफाई सम एग्जांपल्स सेक्टर्स फ्रॉम पाकिस्तानी मार्केट वेयर द फॉलोइंग चैलेंजेस एग्जिस्ट, वेयर द फॉलोइंग चैलेंज एग्जिस्ट फॉर बायर, व्हाट मेथड्स मेजर्स वुड यू अडॉप्ट टू ब्रिंग द नंबर ऑफ बिडर्स टू ऑप्टिमल। एक सिचुएशन है टू मैनी पोटेंशियल बिडर्स, एक सिचुएशन है टू फ्यू पोटेंशियल बिडर्स, ठीक है। नीचे अब छोड़ दीजिए, आप अपने ग्रुप में एक डिस्कशन कीजिए, कंसिडर के मैं नहीं हूँ, और उसमें आप वो मार्केट सेगमेंट्स बताइए जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा बिडर्स आ जाएंगे या बहुत कम बिडर्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट इस तरह की है। आप ये सवाल समझ गए? तो थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफाई कीजिए। ओके, मैं ये करता हूं कि फर्ज कीजिए आपको कस्टम क्लियरिंग एजेंट चाहिए। कस्टम क्लियरिंग एजेंट मार्केट में कम है या ज्यादा है? नो आइडिया, आपका एक्सपोजर नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, आप एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने एक लॉयर रखा है रेलवे से, एक लीगल फर्म हायर करनी है, मार्केट में लीगल फर्म्स ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। चैलेंज क्या है कि आपके पास बहुत ज्यादा बिडर्स हो जाएंगे, ठीक है। आप इसकी ऑपोजिट लेते हैं, एक सर्विस है, आपने फ्यूल लेना है, डीजल लेना है अपने इंजन के लिए, आपके पास बिडर्स ज्यादा है या कम है? टेक्निकली एक ही बिडर है, पीएसओ, क्योंकि रेलवे पीएसओ से ही लेती है जनरली। बट अगर हम फर्ज कीजिए पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट खत्म भी करते हैं तो आपके पास शेल है, पीएसओ है, टोटल पार्को है, अटक है, ये 3-4 ही हैं टोटल, ठीक है, जो आपको इतना ज्यादा डीजल सप्लाई कर सकें। सो यहाँ पे चैलेंज उलट हो गया कि आपके पास बिडर्स बहुत कम है। बिडर्स तो उसमें एक एग्जाम्पल हमारे सामने आई है कि पाकिस्तान जो रेलवे जो लोकोमोटिव खरीदती है वो एक ब्रॉड गेज पे चलते हैं ना हमारे पास, तो उसके फ्यू सप्लायर्स हैं हमारे पास, चाइना है, यूएसए, बाकी क्योंकि दुनिया में वो ये ब्रॉड गेज नहीं चलता है, स्टैंडर्ड गेज चलता है, तो ये कस्टमाइज हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसके सप्लायर्स बहुत ज्यादा कम है। वेरी गुड एग्जांपल। बट उससे पहले अगर किसी ने पाकिस्तान में, आवाज आ रही है सर? जी जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, कैन यू हियर सर? आपकी आवाज तो आती है पर कटती भी है साथ। अच्छा, मैं अब कोशिश करता हूँ।
अब आ रही है आवाज, किसी की बैकग्राउंड में एको चल रहा है, मेरी आवाज एको हो रही है, अपने स्पीकर्स बेशक बंद कर लें और जब बोलना हो तो उस वक्त कर दीजिएगा। ये बिल्कुल सही एग्जांपल दिया अभी जो दिया है कि रेलवे पाकिस्तान में ब्रॉड गेज पे चलती है एंड देयर आर नॉट मेनी सप्लायर्स इन द वर्ल्ड हु ऑपरेट ऑन ब्रॉड गेज बेसिस। कैन यू ऑल हियर मी? इन द सेम वे स्लीपर फैक्ट्रीज पाकिस्तान में एक है, अगर हम लोकली परचेज करना चाहें तो एक या दो ही स्लीपर फैक्ट्री है पाकिस्तान में रेल स्लीपर्स के लिए, तो उसके लिए भी हमारे पास बिडर्स कम हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, दैट्स अनदर गुड एग्जांपल, बट एक एग्जांपल तो आपकी अपनी है कि किसी को, लेट्स से मैं, एक सीमेंट प्लांट है मेरा और मैं कोल, जी गो अहेड। यस सर, प्रोसीड प्लीज। मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड आप होल्ड कीजिएगा, लेट मी गेट क्लोजर टू 5-5। ओके, अब आपको आवाज आ रही है? कैन एवरीवन हियर मी? जी सर, आवाज आ रही है। यस सर। मुझे फर्ज कीजिए गुड्स मूव करनी है ऑन अ रेगुलर बेसिस वाया ट्रेन, कार्गो ट्रेन, ठीक है, वेदर इट्स फ्यूल और कोल और बीट और व्हाटएवर, और मेरे पास रोड की ऑप्शन नहीं है, फर्ज कीजिए, तो मेरे पास कौन है बिडर? पाकिस्तान रेलवे ओनली। रेलवेज, पाकिस्तान रेलवे। एग्जैक्टली, सो इट्स अ मोनोपोली, इट्स अ मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन, हेंस मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। कोई और एग्जांपल्स ऑफ टू फ्यू बिडर्स? एलएनजी सप्लायर जो हैं वो भी सर बहुत कम है, क्योंकि लास्ट टाइम डॉन न्यूज में भी आया था कि पाकिस्तान को कोई सप्लायर ही नहीं मिला था एलएनजी के लिए। हाँ, उसकी लेकिन रीजन थोड़ी डिफरेंट थी, वो एक कमोडिटी शॉक हम कहते हैं, प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, उसकी वजह से सप्लाईज डाइवर्ट हो रही है यूरोप की तरफ, तो वो उसकी रीजन थी, बट जनरली यू राइट कि एलएनजी में इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं होती आपके पास। यस सर, इसके अलावा सर इलेक्ट्रिक बाइक सप्लायर्स जो है इस वक्त वो भी वर्ल्ड वाइड बहुत कम है एंड बिल्कुल ठीक है, आई एग्री, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये तो अच्छे एग्जांपल्स आ गए, वो एग्जांपल दीजिए जहां पोटेंशियल सप्लायर्स बहुत ज्यादा हो ये बिडर्स। सर कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे सर पास बहुत ज्यादा सप्लायर होते हैं, और अगर हम सोलर की इंस्टॉलेशन की बात करें तो उसके लिए भी आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में आपके पास सप्लायर्स आ जाते हैं। बहुत अच्छे सर, बट कंस्ट्रक्शन में हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डैम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो आपको रेयरली कोई अगर पाकिस्तानी मार्केट में कोई कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा, क्योंकि डैम कंस्ट्रक्शन की अगर बात आएगी सिर्फ FWO है, उसके पास भी बड़ी कम एक्सपर्टीज है। आई एग्री, कंस्ट्रक्शन में उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, मोटरवेज बनानी है तो आपके पास 3-4 ही हैं पाकिस्तानी कंपनीज अगर आप देखें, लार्ज डैम्स बनाने हैं तो FWO ने भी नहीं बनाया हुआ, वो भी किसी के साथ जॉइंट वेंचर करके अपना एक्सपीरियंस ले रही है। आपको बहुत बड़ी टनल्स बनानी हो वहाँ पे भी ये इशू आ जाएगा, तो आई कम्प्लीटली एग्री, बहुत बड़ी हाई राइजेस बनानी हो, लेट्स से 100 स्टोरी टाइप या 50 स्टोरी टाइप, तो आपको ये चैलेंज आ जाएगा। आई एग्री, generally I'm glad that everyone has got an idea. Yes sir, basically sir jo cheeze hain jo sir standardized ho, jaise stationery wagera hogi ya is tarah ki cheeze ho ya fir jo raw materials ho wo unke bidders hame zyada mil jayenge, magar jaise jaise hum jaate jaate hain jo high tech cheeze hain ya fir jo natural resources hain unke andar jo hai sir hamare paas jo potential bidders hain wo kam hote jayenge. Bilkul sahi, completely agree. So अगर आप पीछे जाइए उस स्लाइड पे तो आपको वो चैलेंजेस नज़र आ जाएंगे कि अगर बिडर्स कम हो तो क्या मसला होगा और अगर बिडर्स बहुत ज़्यादा हो तो क्या मसला होगा। हेंस द ऑनस और द फोकस वुड बी ऑन व्हाट कॉन्ट्रैक्टिंग सप्लाई
contracting strategy and what market approach you adopt. ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अच्छी इनपुट दी. वेरी क्विकली मूविंग ऑन, बिट सिक्योरिटी, एवरीवन नोज कि बिट सिक्योरिटी क्या होती है. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लेते हैं, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड. सर एक पॉइंट इसमें ऐड करना था मैंने. जी सर, वो ये था कि सर वो तमाम प्रोजेक्ट्स जिनका मेंटेनेंस पीरियड लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसमें भी आपके पास लिमिटेड बिडर्स ही कम्पीट करते हैं, क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स का मेंटेनेंस शेड्यूल लॉन्ग टर्म के लिए हो, वो मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे हैं वो अवॉइड करते हैं कि इस ऐसे प्रोजेक्ट से हम दूर ही रहें. Can you repeat your question? Sir, आपने अपना क्या क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं जो मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे थे? सर ये क्वेश्चन नहीं था, ये जस्ट एक पॉइंट था आपके उस बात के साथ एडिशन थी कि वो तमाम प्रोजेक्ट्स जिनका मेंटेनेंस पीरियड लॉन्ग टर्म या लॉन्ग स्पैन पे हो, तो वहां पे भी लिमिटेड ही कॉन्ट्रैक्टर्स आपको मिलते हैं. एग्रीड. यस सर. कोई और कुछ कहना चाह रहे थे? ओके, बिट सिक्योरिटी पे या बिट बॉन्ड पे या अर्नेस्ट मनी पे किसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ पे लिखा हुआ कि तो क्या ये जो बिड करता है बंदा, फर्म्स बिड करती हैं, उसमें 2-10% होगा या एक एग्रीमेंट हो जाता है फिर उसका 2-10% काउंट होगा? के दो तीन चीजें होती हैं. ठीक है, पहले तो ये कि देर इज नो कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने बिड बॉन्ड लेना ही है, लेकिन पेपरा रूल्स में जनरली आपको वो ये कहता है कि बिड बॉन्ड आप ले लीजिए. ठीक है, नंबर वन. नंबर टू, बिड बॉन्ड लेंगे कितना लेंगे? द आंसर इज कोई बंदा 1% भी लेता है, कोई बंदा 10% भी ले लेता है, लेकिन माइंड यू कि जो भी जितना ये डाल रहा है बिड बॉन्ड, वो अपनी प्राइस चार्ज करेगा और वो प्राइस आपकी जो जो कोट कर रहा है या टेंडर कर रहा है उसमें ऐड कर देगा. ठीक है, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ अ बिट बॉन्ड. अब अगला सवाल जो आपका है वो ये है कि ये 2% है या 10% है या 1% है या 5% है, वो किस चीज का है? तो जो मैंने कोटेशन दी, मैंने जो टेंडर दिया उसमें मैंने एक प्राइस कोट की, फर्ज कीजिए वो प्राइस 100 रुपये है, तो अगर 100 रुपये है तो मैं फिर उसका 100% उसका 2% 2 रुपये का एक बैंक सिक्योरिटी या बैंक गारंटी या बिट बॉन्ड लगा दूंगा. एक और बिडर है, उसने 110 रुपये कोट की, तो वो फिर 2% कितना बनेगा उसका? 2.1. ठीक है, वो 2 रुपये 10 पैसे का बिट बॉन्ड लगाएगा. ठीक है, तो ये इस तरह से अप्लाई करते हैं. आपको समझ आ गई? तो फिर वो कराएगा ना कि हमारे ये तो उसका. नहीं, आपकी आवाज कट कटती है, मुझे दोबारा कहिए प्लीज. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सर अगर कोई बिड लो करता है, यानी 100 हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, वो कहता है कि मैं 90 में कंप्लीट कर दूंगा, तो फिर 90 का 2% जो है वो एज ए बॉन्ड सबमिट कराएगा, वो सिक्योरिटी बॉन्ड. एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है. एक और मेथड भी होता है कि आप बिड बॉन्ड की जगह, आप परसेंट की जगह आप एक अमाउंट दे देते हैं. आप कहते हैं यार कि इस पे आपने जो है वो 10,000 रुपया बिड बॉन्ड दे दें, तो वो 10,000 रुपये सबका स्टैंडर्ड हो जाएगा. ये भी करते हैं. इज एवरीवन क्लियर? बिट वैलिडिटी पीरियड, एवरीवन नोज व्हाट इट मींस. सर ये प्रीवियस स्लाइड में सर
जी सर, इसके अंदर जैसे ये बैंक गारंटी दी हुई है, इंश्योरेंस गारंटी दी हुई है सर, यूजुअली सर वो बैंक गारंटीज ही कंसिडर होती है, मगर जो इंश्योरेंस गारंटीज होती है सर उनको कहते हैं कि ये नहीं कंसिडर की जाती, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इज अनदर एंटिटी और जो सारे ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं वो बैंक के थ्रू हो रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि इंश्योरेंस गारंटी इज नॉट अ जनरली एक्सेप्टेड और जनरली प्रैक्टिस्ड form of obtaining bid security, you're right, but there are companies jo insurance guarantees mang leti hain, lekin mind you ki agar maine kisi ki guarantee call karni ho, call ka matlab ye hai ki in cash karani ho, to bank guarantee ka matlab hai it's like cash, insurance guarantee mein mujhe insurance company ke paas jana padega, wo dekhegi phir wo chahe release kare na kare, so mera jo recourse hai ya mera access hai to this guarantee is much less. So, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका सर। ये जो जैसे बैंक सिक्योरिटी है और अर्निंग्स मनी है, ये सारे एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है, ये इनके अंदर कोई टेक्निकल फर्क भी होता है? नहीं, अर्निंग्स मनी तो वो इवेंट है ना, अर्निंग्स मनी या बिड बॉन्ड या बिड सिक्योरिटी, ये आप उसको एक इवेंट है। अब उसके अगेंस्ट आपको क्या चाहिए? बैंक गारंटी बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। बैंक आपसे कहता है, आजकल स्टेट बैंक के रूल्स हैं कि अगर मैंने बैंक गारंटी देनी है तो 80% कैश मार्जिन हो, यानी कि बैंक में फर्ज कीजिए 100 रुपये की मुझे बैंक गारंटी देनी है तो 80% 80 रुपीज़ मैं कैश रखवाऊंगा बैंक के पास, 20 रुपीज़ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ कोलैटरल विच कैन बी प्रॉपर्टी और अ कार और वॉट एवर एसेट, फिर मुझे वो बैंक अपने चार्जेस लगा के एक गारंटी इशू करेगा। लेकिन अगर मैं चेक मांग लेता हूं, चेक इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। एक चीज होती है कॉर्पोरेट गारंटी, फॉर एग्जांपल मुझे एक्सॉन मोबिल एक बिट कर रहा है, द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर, तो मैं वो कहता है जी मुझसे अब कॉर्पोरेट गारंटी ले लें, इवन दैट इज फाइन, इट इज एज गुड एज कैश। सो देर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, every instrument has its own features or characteristics, as long as you do cheeze ki aapne sab ke liye ek hi yardstick rakhi hui hai to koi masla nahi hai, dusra aapne paper mein dekhna hai ki paper kya kehta hai, agar wo bank guarantee ka keh raha hai to fir aapko bank guarantee leni hai, to sir bid validity period everyone knows what it means, question आपने ML1 की केस स्टडी पे चले जाएं, ML1 अगर आपने टेंडर करना है उसका कंस्ट्रक्शन, तो आपके जहन में कितना टाइम आता है बिड वैलिडिटी पीरियड का? एनीवन? सर जो सर्कमस्टांसेस हैं सर उसके अंदर तो सर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, और जब हमारे पास रूम होता है सर वो खाली 15% का होता है सर, नॉट मोर देन 4 to 5 years, 4 to 5 years, नहीं नहीं नहीं, बिड वैलिडिटी पीरियड हम उसकी बात कर रहे हैं, बिड वैलिडिटी पीरियड सर मेरे हिसाब से ये जो है, सॉरी सर आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ सर, मैं ये कहता हूँ कि हम जो ML1 है वो काफी लंबा प्रोजेक्ट है, तो जो भी कंपनी बिल्ड करेगी वो पहले इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए क्या क्या मुझे बनाना है, कितना है वो, तो उसको टाइम चाहिए होगा काफी, तो ये हमें कम से कम 6 महीने तो देने पड़ेंगे इसके लिए ताकि वो बिल्ड करे। Okay. Who does not agree with him? मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं, बिड वैलिडिटी पीरियड इज द टाइम जिसके लिए वो बिड वैलिड होगी, इस टाइम के अंदर आपने अपनी इवेल्युएशन कंप्लीट करके बिडर्स को ये बताना है कि जी आपकी बिड्स रिजेक्ट हो गई हैं, और सक्सेसफुल बिडर को ये बताना है कि उसकी बिड एक्सेप्ट हो गई है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, दिस इज द बिड वैलिडिटी पीरियड, ठीक है। जो एक्चुअल जब बिड वैलिडिटी पीरियड के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा तो फिर ये खत्म हो जाएगा, तो इसलिए जो साहब अभी ये कह रहे थे 4 to 5 years, वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है,
बिड वैलिडिटी से उसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे एक कॉलिग ने बोला कि जी 6 मंथ्स में दूंगा एमएल वन के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है, हु डज नॉट एग्री के 6 मंथ्स देने चाहिए? सर मेरे ख्याल में 3 महीने काफ़ी होंगे उनकी बिड्स को एवेल्यूएट करके उनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाए। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है 10 साल में कंप्लीट होने के लिए, तो मेरे ख्याल में 3 महीने में हम तमाम बिड्स को एवेल्यूएट कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक, तो आई थिंक 3 मंथ्स वुड बी बेटर ऑप्शन। आई वुड, देखो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा। 6 मंथ्स जनरली ज़्यादा टाइम है, ठीक है। और 6 मंथ में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कोई आदमी जब एक आदमी बिड करता है इतने बड़े के लिए, तो प्रोजेक्ट के लिए, तो वो अपने रिसोर्सेज होल्ड करके रखता है उस टाइम फ्रेम में। तो 6 मंथ प्रॉब्ली ज़्यादा है, 90 डेज मुझे लगता है थोड़े से कम है, अबाउट 120 डेज का टाइम उसको मैं ज़रूर दूंगा। इसके अंदर मुझे सारों के बिड्स एवेलुएट करनी है, क्लैरिफिकेशन सीख करनी है, टेक्निकल स्क्रूटनी करनी है, और जो सक्सेसफुल बिडर है उसको लॉक करके उससे कंफर्मेशन लेनी है कॉन्ट्रैक्ट की, और फिर मैंने अनाउंस करना है। दिस इज द 120 डे पीरियड या 90 डेज या 6, जो भी, इस पे कोई वो नहीं है, बट जनरली रूल ये है कि आप इतना लंबा टाइम ना लीजिए कि जिसमें मार्केट आपको बिड ही ना करे, बिकॉज थिंग्स विल चेंज। नंबर 2, इतना कम टाइम ना लीजिए कि आप अपनी इवेल्युएशन कर ना पाए उसके अंदर, ठीक है। ये आपको अपने ज़हन में, सर यहाँ पे सर एक क्वेश्चन है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट एक बहुत सी मतलब एक हमारी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि इतने टाइम बहुत कम टाइम है, लेट सपोज हमारे पास 8 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है और उसकी सीरियसनेस भी बहुत ज्यादा है, तो हम उसके लिए फिर किस तरह स्पेसिफाई करें कि ये टाइम इतना भी कम ना हो कि हम एवेल्युएट ही ना कर पाए, लेकिन इतना कम जरूर हो कि ताकि हमारा प्रोजेक्ट जल्दी से शुरू हो और वो 8 या 7 महीने के अंदर कंप्लीट भी हो जाए। तो क्या मतलब किस चीज को हम कंसिडर करके, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देख के हम ये डिसाइड करें? पहला फैक्टर तो ये कि मुझे मार्केट का अगर पता है, मुझे ये मालूम है कि मेरे पास नंबर ऑफ बिडर्स कितने आने हैं। अगर वो नंबर ऑफ बिडर्स इतने हैं, लेट्स से 8 हैं, मुझे अपनी रिसोर्सेज का पता है कि मेरी टीम कितनी बड़ी है, उसके अंदर रिसोर्स कितना है, तो मुझे ये दूसरी चीज है, दूसरा फैक्टर है। तीसरा ये है कि हाउ कॉम्प्लेक्स विल बी द टेक्निकल वैल्यूएशन। चौथा ये है कि क्लैरिफिकेशंस मैं कितनी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो मुझे करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आपका टेंडर अच्छा बना हुआ है, स्कोप ऑफ वर्क अच्छा लिखा हुआ है, हर चीज़ क्लियर है, तो उसका मतलब है क्लैरिफिकेशंस कम होंगी, ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो देख के आप डिसाइड करते हैं कि यार मैं कितना टाइम दूँ उसका, और लेकिन वो टाइम इतना होना चाहिए कि मैं ये सारा काम कर पाऊँ। जनरली क्या होता है कि बिड एक्सटेंशंस भी दे दी जाती हैं बिड वैलिडिटी की दोनों तरफ से। कई दफ़ा बिडर कहते हैं कि जी आपने बहुत कम टाइम दिया है, आप इसको एक्सटेंड करते हैं। आप देखेंगे कि यार मेरे पास कितने बिडर्स हैं, अगर टोटल 4 बिडर्स हैं तो मैं फिर शायद उसकी बात मान लूँ। अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास तो 20-25 बिडर्स हैं, तो मैं कहूँगा ये अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, मैं अपनी टाइम लाइन ही को रखूँगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह के फैक्टर्स हैं जो आपने देखने होते हैं। ये बिड वैलिडिटी एक्सटेंशन के ऊपर जो मैंने अभी तकरीर की है, उसके ऊपर आपको कोई चीज मिल जाएगी, ठीक है। हियर मी? यस सर। ये क्वेश्चन, ये जो बिड वैलिडिटी पीरियड है ये हम अपनी एवेल्यूएशन के रखते हैं, तो उस पीरियड को क्या कहते हैं जो हम देते हैं जिस टाइम में बिडिंग हम एक्सेप्ट करते हैं कि इतने टाइम आप बिड एक्सेप्ट हम करेंगे, उस टाइम को क्या कहेंगे, उसका नाम क्या देंगे? दोबारा बोलिए। तो हम कोई अपना टेंडर इश्यू करते हैं और उसमें जो है बिड लेने के लिए भी टाइम रखते हैं, यानी कोई हम कहेंगे 2 महीने तक हम बिडिंग एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद बिड ओपन हो जाएगी। तो उस पीरियड उसको हम कहते हैं टेंडर सबमिशन टाइम। थैंक यू। और बिड वैलिडिटी स्टार्ट होती है फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन टिल द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट या अवार्ड जो आपने लिया है
जिसके उसके बाद बिड्स पर एक्सपायर हो जाती हैं, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, आप ये बताइए कि सब लोग इकट्ठे बैठे हैं या अलग अलग बैठे हैं? आर यू इन वन प्लेस और सेपरेट प्लेसेस? सेपरेट रूम्स। आपका कुछ ग्रुप भी बैठे हैं? कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन फॉर टेकिंग द टाइम टू डू दिस। मैंने शहरयार को बोल दिया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी कॉल हिम आल्सो, ही विल शेयर अ क्विज विद यू, ठीक है। वो क्विज आप उस लिंक पे जाएंगे तो आप उसको देख के कर लो। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यही होगी कि आप जो भी करना है खुद कीजिए। वालेकुम सलाम शरिया साहब, क्विज वन शेयर।